कम आइए जी, भाई आपके सीनियर हैं, कमाल कर रहे हैं। आइए नरेश जी। सो नरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। सो नरेश जी रन्स अ स्टोर कॉल्ड सीमा गारमेंट्स इन ओल्ड गुड़गांव। गुड़गांव, सॉरी। हाँ, सो नरेश जी रन्स अ स्टोर कॉल्ड सीमा गारमेंट्स इन ओल्ड गुड़गांव, एंड रादर देन मी टॉकिंग अबाउट व्हाट हिज जर्नी हैज बीन, सो आई विल हैंड इट ओवर टू हिम सो दैट ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज हैपनिंग। ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम प्लीज्ड टू बी हियर एंड आई वाज लकी सेम यू आर सिटिंग हियर इन BCI, दैट्स अ ग्रेट थिंग। And when I heard about Rahul, it was something different. And I had been wondering for growth in my business for long. And I started this journey in 2002 with a small store in Gurgaon. It is only 400 square feet store, very small one. And from there, I started doing things slowly, slowly. By 2013, I could start another store. We had two stores now. But after that, I was feeling that I was not finding myself enough room to grow further. As and when, on 12th of October, I came to know about Rahul Jain last year, 2015. And immediately, I decided to go to his workshop on 15th of October. And from there, after 1 year complete, I had been able to start a new store which is 4,000 square feet in Gurgaon. And of course, coming to Rahul was a nightmare for me for the whole year. I have been able to understand, do the things so easily now. Everything is going very nice. And the life has become cool, which earlier was a firefighting day in, day out. For the most of the businessmen, it happens every day. We are now so cool. I'm not going to office most of the times. Hardly 1 week, 1 day in a week. Hardly. That also is hardly. It's not many times required because MIS which we take. Sir, MIS, abhi to bataya nahi. Abhi shuru kar rahe hain MIS ka. Haan. So which is the greatest tool we received from Rahul? We say I'm running my business on autopilot with the help of MIS, and only 1 hour MIS makes me understand what is happening in the company and how much. Yes. Sir, आधी चीज़ें तो मैं खुद भूल चुका हूँ कि जो problems थी वो क्या थी, बट कुछ प्रॉब्लम जैसे मोस्टली हम अपने ईगल्स से बहुत डरते हैं कि यार ये छोड़ गया तो क्या होगा। सर सेल्स का है, हू इज अ स्टार परफॉर्मर, अभी सेल्स करूंगा तो मैं समझाऊंगा स्टार परफॉर्मर सेल्स क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगा रहता था कि ये स्टाफ को कैसे टैकल करना है, अभी इसकी ये नखरे झेलने हैं या वो झेलना है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा रहती थी, बट हमेशा करते भी रहते थे और डरते भी रहते थे। बट आज की डेट में वी आर टोटल फियरलेस विद एनी वन ऑफ द स्टाफ, एवरीबडी इज डूइंग ऑफ हिज ओन। एंड अर्लियर वी वर वरिड हाउ टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम देम, नाउ दे आर वरिड हाउ टू गेट द रिजल्ट्स टू द बॉस फॉर देयर ड्यूटीज। दैट द स्पेशलिटी वी गॉट। एंड MIS, व्हेन आई स्टार्टेड इन द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स I was little bit uncomfortable when the things were not happening and not understanding. We were thinking how to keep so many staff, EA rakhni thi, PC rakhni thi, data entry. Such a small operation it was. I was not... Aapke pehle jo show, office, sorry, store tha, usme total log kitne the? I was having only... I had 12 staff, out of that 8 were sales people. आठ सेल्स के लड़के थे जो पूरा। यस यस। तो आपने इन लोगों पे जब आपने काम करना शुरू किया, सो
तो इन लोगों पे जब आपने काम करना शुरू किया जितने भी आठ थे, तो ये आठ लोगों पे ही आपने फिर पीसी लगाई, ये लगाई, क्या किया? ये तो मैंने अपने पास ही लगाई थी, ये तो सबको डेलीगेशन करने के लिए लगाई थी और सारे स्टाफ पे लगा दी थी जी. शुरू में तो फॉर वन मंथ आई स्टार्टेड गेटिंग द वर्क डन थ्रू एट पीपल, बट लेटर ऑन व्हेन वी मेड द कंप्लीट फ्लो चार्ट एंड एमएमएस, एवरीथिंग वेंट अप टू दैट बॉटम टिल द क्लीनर एंड द स्टोर ओपनर एंड द स्वीपर, एवरीथिंग जो भी साफ सफाई वाले या पानी पिलाने वाले लड़के थे वहाँ तक वो डेलीगेट हो गई सारी चीज़ें, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग ऑफ हिज ओन विदाउट एनी सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट एनी सुपरविजन, विदाउट एनी रिपीटेड यू नो टेम्परिंग. एंड इन माई एफ एम एस एंड फ्लो चार्ट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन्ड विद मी थ्रू चेकलिस्ट, विच इज़ द सिंपलेस्ट थिंग टू गेट द थिंग्स डन थ्रू आउट द डे एट इन ईच डिपार्टमेंट, whether it is office management, whether it is staff management, whether it is sales and the cleaning of the store, everything, even the warehouse was maintained by, is being maintained by checklists. I have only 18 checklists right now. Through these 18 checklists I have been able to operate my total company without any hitch, without any second thought, and time to time it happens that sometimes some problems comes, we make a system, we add some points in checklist or delete some points on the checklist. This is always happening. And when I started the new store on 16th of October, just recently, we just copied all the checklists of the earlier stores and implemented there. Within a month, we have been able to run that store also on autopilot. Wow. That's the beauty. पूरा सिस्टम लिया और नए स्टोर पे लगा दिया और एक महीने में वो पूरा स्टोर अब हाँ, उसमें थोड़ी मोस्ट ऑमिशन करेक्शंस न्यू स्टोर के हिसाब से करनी पड़ी, क्योंकि पिछली बार मैं आपके पास आया था, मिला था आपसे जब वो स्टोर ओपनिंग थी, आपने बुलाया था, तो वो उस समय तो आप स्टोर के ओपनिंग में पूरे लगे हुए थे. हाँ, 100% लगे हुए थे. स्टोर खोलना है तो उसे पूरे में आप पूरे ऑपरेशन. वन पॉइंट आई विल जस्ट करेक्ट हियर. इन दिस स्टोर ओपनिंग एंड द स्टोर ओपनिंग प्रोसेस से पहले की जो एक्टिविटी थी, वी कम्प्लीटेड द कोर्स ऑन 12th ऑफ जुलाई. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ऑन 15th ऑफ सेप्टेम्बर. देयर इट वॉज द डे वेन आई डिसाइडेड आई गेट द थिंग डन, द प्रॉपर्टी जो देखनी थी हमें, और उसी दिन ये डिसाइड किया भाई दिवाली से पहले इसको स्टार्ट करना है, अदरवाइज वी लूज द सीजन. एंड आई हैड ओनली वन मंथ विद मी. And on 20th, we start the things to happen on the floor. And I had this manifestation in mind only, which could get done the things very well. On 16th, we did very nice and extravagant opening. PMS helped me there. I made a complete project management sheet there. For earlier, I was not thorough about it. And during the course, I was very uncomfortable studying about PMS because it was not my subject to understand. But there I recalled and I made the single sheet on the 20th itself. Okay, I said I will get it done. And through PMS, I could achieve everything on every day, every schedule, every hour schedule was maintained. And we could do this thing in 25 days. That was a great thing for me. As throughout my circle was surprised how you could done it. मैं सर वो चेकलिस्ट को शेयर करना चाहता हूँ. मेरा टोटल स्टाफ कर रहा है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द जो सफाई करता है लड़का वो भी कर रहा है और सीनियर मोस्ट मैनेजर भी कर रहा है. हाँ जी हाँ जी. आप सर स्टोर ओपनिंग में जैसे ताला खोलना है, चाबी लानी है, आप देख लीजिएगा, मैं जस्ट शेयर करता हूँ. वैसे मैंने शेयर कर दिया था आपको. हाँ तो हाँ जी, मिक्स है सर, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं प्ले करते हैं. बच्चों का वी आर स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर.
Yeah. Bachcho mein we have Gini Johnny and Monte Carlo, the known brands yahi hain. Baki little kangaroos kuch bechte hain. Baki total unknown brands hain, but like for wholesalers, manufacturers, they are branded, but they are not national brands. Just a moment. So this is the summary of the checklist. What we use. Aap left mein lijiye first column. हाँ जी हाँ जी ये चेकलिस्ट नंबर 2 से शुरू होता है क्योंकि मैंने जब एफएमएस और पीएमएस बनाया था तो फर्स्ट चेकलिस्ट कुछ थी जो मेरे लिए बाद में रेलेवेंट नहीं रही बट जो नॉमनक्लेचर जो नंबर्स हमने शुरू में दिए थे वो इसी को मेंटेन कर रहे हैं कहीं पर कोई चेकलिस्ट ऐड हो गई जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चेकलिस्ट 5 है उसके बाद 5A आ रही है एक तो ए वॉज नॉट इनिशियली प्लान्ड बट लेटर ऑन ऐड हुई तो वो उसमें 5A नंबर दे दिया उसको तो स्टार्टिंग में जैसे ये चेकलिस्ट है मटेरियल रिसीव स्टोर ओपनिंग स्टोर कैशियर ये मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा सीक्वेंस बना हुआ है जी मटेरियल रिसीव इज द वेयर हाउस इसमें ये लोकेशन भी दी हुई है कौन सी जगह पर कौन सी चेकलिस्ट लग रही है फर्स्ट प्लेस जैसे है ये वेयर हाउस है मटेरियल रिसीव की एंड जो सेकेंड चेकलिस्ट है स्टोर ओपनिंग की वो SG1 SG2 एंड SG3 ऑल द 3 प्लेसेस इट इज हैपनिंग And the names of the people who will be filling. First doer, if he is not there, the second doer is there. Fill, these are available on each store. We have the hard copies available there. And this is like store opening. Store opening ke time par jo jo activities honi hai. Starting from the lock opening and the shutter opening. इनिशियल 5 मिनट्स में वो पूरा ऑब्जर्वेशन दे देगा कि स्टोर में आफ्टर हाफ एन आवर दिस कैशियर विल बी देयर एंड ही विल चेक हिज नो 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 दिस इज अ समरी दिस इज समरी आप इसमें नेक्स्ट शीट खोल दीजिए आइडिया हो जाएगा क्लियर अब ये हाँ ये डिटेलिंग है सर इसमें ये है CL1 ये CL2 है ये चेकलिस्ट 1 है अब अगर ये चेकलिस्ट 1 देखेंगे तो ये चेकलिस्ट 1 में अब जैसे इसमें लिस्टिंग है अब ये CL2 है ठीक है अब ये CL2 क्या है वो ये है ठीक है तो ये CL2 का ये हिसाब किताब है नो 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 नॉट नॉट ईयर दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ दैट सीरियल नंबर गिवन सीरियल नंबर है ये क्योंकि डेली यू रिसीव सो मेनी कार्टून्स और पैक्स तो दिस इज द डिटेल ही हैज टू फिल For each and every deliveries. और इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है इफ पॉइंट नंबर 8 इज यस देन सिल दिस एंड द CL2 इज देयर इफ देयर इज एनी डैमेज और समथिंग लाइक दैट इफ यू रिसीव द मटेरियल इन डैमेज कंडीशन तो दैट दिस इज एक्स्ट्रा हैज टू बी फिल्ड बाय एंड दिस इज द कंप्लीट मटेरियल रिसीव वेदर द ट्रांसपोर्टर इज पेड और नॉट ऑल द पॉइंट्स ही विल फिल एंड इट इज अ मैटर ऑफ 1 मिनट ओनली इट डजंट टेक टाइम It takes only one column he will fill and second delivery comes, second column. So likewise we have a complete track record and for every this thing, package, this number becomes the reference for every package which is we are. Yes. So there is a separate sheet for every day? No, this is a continuous sheet. This particular sheet is not separate for day because it is continuously. For every consignment we have to use one column. Yeah. This is this is the reference number. 2001 is a consignment number. This is the receipt number which further helps us to continue follow the things. Yes, CL3. This is store opening. Store जब खुलता है और बहुत छोटी छोटी चीजें हमने मेजर की हैं इसमें टैप किए हैं अच्छा यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं सर डेट्स ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि हर बार यही प्रिंट आउट यूज कर लेते हैं फोटोकॉपी करा के एंड दिस इज यूज्ड फॉर एवरी 15 डेज और ये आपके जितने लोग हैं उनको अंग्रेजी आती है नहीं आती नहीं अंग्रेजी नहीं आती थी यही तो डबल टाइम लगा था हमें
मैंने सारे पहले इंग्लिश में बना लिए थे और चेकलिस्ट गई नेक्स्ट डे वापस आ गई सारी कि सर किसी को समझ में नहीं आया और लड़के ऐसे हो गए जैसे मतलब छोड़ के जाएंगे नौकरी क्योंकि हमारे को तो आता नहीं है अब ये सिस्टम तो लगने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए फिर ये सारे हिंदी में टाइप करवाए थे जी। तो नरेश जी मेरे पास आए थे एक दिन वो पूरे की पूरी अंग्रेजी में लेके फिर उन्होंने बोला नहीं हो रही और फिर श्योर इनफ इन्होंने बैठा और सारा का सारा हिंदी में बनाया और फिर मेरे साथ बैठ के जितनी भी थी वो एक बार मेरे को दिखाई थी मेरे को याद है वो बैठ के सारी हिंदी में दिखाई उन्होंने कि मैंने पूरा फ्लो चार्ट हिंदी में बना दिया है। तो ये जो ये पूरा मैप आउट आप कर पाते हो कि पानी की जगह और बिल्कुल 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 100% ये भरता कौन ये नाम लिखे हुए हैं जी फर्स्ट डूअर एंड द सेकंड डूअर एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल। ये डूअर है या सिर्फ ये भरेगा इसको? नो 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 ये डूअर है ये करेगा भी भरेगा। अगर ये यहाँ पर क्रॉस मिला मुझे यहाँ ठीक नहीं है ये इन्फॉर्मेशन तो इन दोनों में से एक को हम क्वेश्चन करेंगे यही दो तो भर रहे हैं। नो 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 आपने लिखा जो पोस्ट सर सर एक सर थोड़ा सा नीचे करना लास्ट में भरने वाले का नाम नीचे लिखा हुआ है लास्ट में वो सिग्नेचर भी करेगा ये भरने वाले हैं भरने वाले सुरेश और रंजीत हैं। हाँ जी और करने वाले कोई सुरेश रंजीत है ना सुरेश रंजीत कुछ काम इनमें से कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सक्लूसिव पर्सन टू फिल दी शीट्स। आप समझो 8 लोगों की टीम है टोटल तो क्वेश्चन तो ये था कि पीसी लगाऊं कि ना लगाऊं और 8 of 8 सेल्समैन ठीक है तो उस पे एक पीसी लगाई थी शुरू में एक पीसी लगाई थी अभी कितनी है एक ही है एक ही पीसी से सारी कंपनी चल रही है अभी उसको अंडर यूटिलाइज हो रहा था शुरू में तो हमें बहुत बट नाउ सिंस वी हैव 3 प्लेसेस पीसी का सर मेन काम यही है कि जितनी भी चेकलिस्ट वगैरह भरी जा रही हैं डेली उसको चेक कर ले कि प्रॉपरली वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं एंड ऑल 3 स्टोर्स एंड वेयर हाउस ऑल द एक्टिविटीज़ आर प्रॉपरली डन और नॉट सिस्टम फॉलो होने का काम उसको फॉलो करना है बस। नो नो सर इसके बॉटम में दिखाओ ना प्लीज़ बॉटम में दिखाओ सर ये पीसी इसको पढ़ेगी डेली हर चेकलिस्ट को ये यहाँ पर ये साइन करेगी वो पीसी साइन करेगी हाँ जी और इन्हीं चेकलिस्टों में से डेटा उठ के मेरे को MIS बना के देगा। नॉट ऑल डेटा वेरी फ्यू थिंग्स MIS किस पे MIS मेरे सिस्टम पर ही है सर 2 सिस्टम हैं विच आर सिंक्रोनाइज्ड 1 इज गिवन टू द या हाँ जी हाँ जी उसने हमारे लड़के ने जिसने भी MIS बनाया तो इन्होंने क्या किया ये मास्टर एक सेकंड ये चेकलिस्ट की मास्टर है ये तो जस्ट अ रेफरेंस मास्टर ये मास्टर है इतने सारे चेकलिस्ट है और उसके बाद ये सारी चेकलिस्ट है उन सब ये जो चेकलिस्ट की डिटेल है ये CL2 ये CL3 अब CL3 दिखाइए जरा एक बार हाँ ये CL4 CL4 एंड CL4S ये CL4 हमारा कैशियर भरेगा जैसे ही वो काउंटर संभालेगा तो वो ये देखेगा ये सारी चीज़ें मुझे ठीक मिली हैं कैश बॉक्स लॉक मिला कैश बॉक्स का लॉक खोला और कैश बॉक्स का कैश रात से जो लिखा हुआ है उससे टैली हो रहा है नहीं हो रहा ये बंद कैशियर ही करके गया था वैसे हाँ जी फिर भी वो चेक करेगा क्योंकि एक दो बार ऐसा डिफरेंसेस मिले हैं गलती हो जाती है आदमी से अगर नेक्स्ट डे फिर हिसाब नहीं मिलेगा उसका पूजा करो पूजा करी नहीं, वो तो हाँ मतलब वो कैशियर ने पूजा करनी होती है रोज कोई और ही कर रहा होता नहीं करता तो है ही हाँ जी यस यस वेरी राइट क्वेश्चन है ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी नहीं नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी परंतु रूटीन में धीरे धीरे जब आ जाता है ना तो ये एक्चुअली होता है इसको चेकलिस्ट को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती उनका हाथ अपने आप रिफ्लेक्सेस में आ जाती है सारी चीज़ें शुरू में तो यहाँ तक हुआ खूब चिल्ला चोट भी हुई सब कुछ हुआ सुन लो हाँ शुरू में चिल्ला चोट भी हुई कहानियाँ भी बनी एक दो लोगों को छोड़ के भी जाना पड़ा इस चक्कर में क्योंकि हमने तो क्लेम कर दिया था कि भैया या तो चेकलिस्ट भर लो या काम कर मतलब नौकरी कर लो मतलब अदरवाइज तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कंप्यूटर ठीक है
उसने कंप्यूटर चेक नहीं किया, फिर भी आपने लिखा कि कैश मैच होना चाहिए, उसने नहीं किया, टिक कर दिया। पर रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? उसी की है ना। प्रॉब्लम आएगी तो वही जवाब देगा ना जी। तुमने तो पहले टिक किया था, फिर तुमने ही तो किया था टिक। कैशियर का काम, कैशियर की चेकलिस्ट कैशियर ही भर रहा है, उसमें किसी और की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। सो चेकलिस्ट, चेकलिस्ट एक चेकलिस्ट, देखो इतनी मैनिपुलेशन होती है, आई एग्री विद यू, बट यू आर एबल टू फाइंड द थिंग्स वेरी इजीली। रैंडम चेकिंग, जैसे मैं पीसी को ही लगा देता हूँ कि भैया आप जाके चेक करो 11:30 बजे क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं जो ऑर्डर में नहीं हैं, वो एक ऑडिट रिपोर्ट दे देती है, उसी से सारा कवर हो जाता है। एंड इट इज़ रैंडम, तीनों स्टोर में है, हफ्ते में एक दिन उसको रैंडम जाना है फिजिकली, या हफ्ते में एक दिन उसको जाना है तीनों स्टोर्स पे। डे फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जितने भी सीनियर लोग थे ना, उनकी ड्यूटी लगा दी है। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिस्ट में तो फिर हम बैठे ही हैं जी लास्ट में तो, बट वेरी फ्यू केसेस। आई एम नॉट गेटिंग कॉल फॉर इवन 2-3 डेज। जो अर्लियर तो मतलब हम 24 घंटे वहीं बैठे होते थे, हम थे ही प्रॉब्लम सॉल्वर। डिस्पैचेज और सेल्स तो हमारी रिटेल है, वो तो हर मिनट डिस्पैच हो रहा है, हर मिनट सेल हो रही है, तो उसमें तो हमारे पास कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने उसके लिए काउंटर पर काउंटिंग सिस्टम डाला हुआ है, और सेल्समैन की अलग से MIS है हर सेल्समैन की, कि हाउ मेनी कस्टमर्स ही इज अटेंडिंग एंड हाउ मेनी पीसीज ही सोल्ड इन द होल डे, हाउ मेनी पीसीज पर कस्टमर ही सोल्ड इन एवरी डे, व्हाट इज हिज एवरेज। हाँ जी, यस यस, वो इसी में। हाँ, इसी में। एक सेकेंड, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस फॉर अ सेकेंड। ओके, ऑल चेकलिस्ट आर रेट्रोस्पेक्टिव। वन, रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आया? यस, उसने चेकलिस्ट भर दी, नीचे साइन मार दिया, बाद में ये पता चला कंप्यूटर खराब है, किसकी जिम्मेदारी है? जिसने साइन मारे। एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, उसके बाद सुधर जाएगा। आज क्या सिस्टम है आपके पास? राम भरोसे सिस्टम। ये पहले यही होता था जी, रोज हमारे को 10 कॉल्स ऐसी आती थी जो हमारे को पता नहीं था। मॉर्निंग में किसी भी स्टाफ ने या किसी भी स्टोर से फोन आ गया, दो स्टोर थे जैसे, तो सबसे पहले ये फिक्र होती थी, पता नहीं क्या आफत आ गई, पता नहीं क्या बोलने वाला है सामने से ये। अब वो टेंशन नहीं है, वो आती ही नहीं है, और अगर आती है तो पता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उससे कंट्रोल नहीं हो पाई है ना ही। अच्छा, व्हेन ही कम्स टू दिस प्रॉब्लम, एटलीस्ट ही विल गिव अस ऑप्शंस कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। नाउ यू आर क्लियर कि ये 2-3 ऑप्शंस तो हो चुकी हैं, फाइनल डिसीजन मतलब इसका मतलब इसके अंदर या तो रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब यू आर एबल टू क्लेरिफाई, टेक द डिसीजन फास्टर, अन इमीडिएट डिसीजन दे पाते हैं हम लोग। इसमें वेयर हाउस की भी एक है, ये जो CL3 देखी थी ना हमने सर, CL2 जो देखी थी वो स्टार्टिंग पॉइंट है वेयर हाउस की वर्किंग का, मटेरियल रिसीव्ड। उसके बाद इसमें मेरे पास CL8, 9 और 10 होगी सर, ये वेयर हाउस की जस्ट जनरल क्लीनिंग एंड जनरल वर्किंग का है। ये नीचे वाले पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं जी, थोड़े से नीचे वाले पॉइंट्स, जैसे SG1 पर माल ट्रांसफर होना शुरू हो गया, क्योंकि डेली स्टॉक ट्रांसफर होना है। F1 इज ए फॉर्मेट विच गिव्स हिम द डिमांड, हर स्टोर से अलग से डिमांड आती है वेयर हाउस पर डेली, वो रात को ही आ जाती है, और मॉर्निंग में सबसे पहला काम उसका ये है वेयर हाउस साफ करके अपना स्टॉक ट्रांसफर करे 10:30-11 बजे से पहले, ताकि वहाँ पर सेल्स में काम आ सके पूरा दिन। तो ये जो पॉइंट है F1 मिल गया, फिर SG1 पर ट्रांसफर शुरू हो गया, और SG1 पर माल ट्रांसफर पूरा हो गया, स्टॉक ट्रांसफर वाउचर नंबर, SG1 पर माल लेकर गया, डेटा ट्रांसफर हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक चला गया डेटा, फिर F2 भरा गया, ये रात के लिए है,
F2 मतलब ये है जी, ये F2 की वर्क, जो F1 में जो स्टॉक हमारे पास नहीं होता कई बार, या शॉर्ट है, या ऐसा लग रहा है कि अभी इसके अब ये चार पीस बचे हैं तो वी नीड टू रीऑर्डर, तो दोज थिंग्स विल गो टू F2। ये वेयर हाउस इंचार्ज का काम है, जैसे ही वो स्टॉक ट्रांसफर कर देगा तीनों स्टोर्स का, उसके बाद अलग अलग तीनों F1 में से देख के वो F2 भरेगा, और फिर तो मोटा मोटा आप एक बार घंटे वाइज भर रहा है या दिन में एक बार? नहीं, दिन में एक बार भर रहा है जी। और ये T3 T4 क्या ही क्या है? ये टेम्पलेट्स हैं जी। समवेयर वी नीड द रेफरेंसेस कि भाई लड़के ने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट देनी है तो उसको एक रेफरेंस ये दिया हुआ है कि भाई इस हिसाब से पेमेंट देनी है। ही डोंट नीड टू आस्क मी। अर्लियर तो हम सारी पेमेंट्स खुद करते होते थे, तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टर का नाम है, ये बॉक्स में आ रहा है, कार्टन में आ रहा है, ये साइज है उसके, ये रेट सेटलमेंट है, और ये पूरा सेटलमेंट उसके हाथ में है फॉर रेगुलर रेफरेंस, कि गलत पेमेंट वहाँ से सामने से भी अगर पर्ची गलत बन के आई है तो वो इससे रेफर करके ही पेमेंट देगा। ऐसी टेम्पलेट्स और भी हैं जैसे शोरूम पे आपके माल को दोबारा भी दिन में जाता होगा? नहीं, दोबारा नहीं जाता, वंस इन अ डे। इसीलिए हर स्टोर पे F1 बनाने का सिस्टम दिया हुआ है, आपको सवेरे से शाम तक जो कम पड़ा है या जो आपको कम लग रहा है स्टॉक में या वैरायटी कम लग रही है उसको शाम को भर के भेजना है। नहीं करते, अदरवाइज सिस्टम बिगड़ जाता है। एक पीस भेजना, चार पीस भेजना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। उसको स्टोर मतलब कस्टमर को नेक्स्ट डे का टाइम दोगे या जी आपको डिलीवर करवा देंगे? परचेज का दिखाते हैं जरा, फॉर्म्स हैं उसके, ये इसके बाद मिलेंगे जी फॉर्म्स। ये F1, ये कौन सा? ये बार, ये F1 इसके बाद ही है, ये वाला F1 F2 T7 के बाद है। ये F1A खुला है, इसके ऊपर होगा या तो F2 दिखाइए, इसको बड़ा कर दीजिए। ये हमारा F2 है जी, जो F1 में से देख के भर रहे हैं। दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, F1 और F2 का, बट F2 हम वहां से देख के भर रहे हैं भाई किस ग्रुप की आइटम खत्म है, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए खत्म है, क्या ब्रांड है, क्या साइज है उसके अंदर, क्या क्वांटिटी चाहिए और कब यह चाहते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट F1 ही विल नोट डाउन द ऑल शॉर्टेजेस हेयर एंड देन F3 बनेगा। दिखाओ जी F3 और दिखा दो एक बार। F1 इज द डिमांड बाय एवरी स्टोर गिवन टू द वेयर हाउस डेली बेसिस, एंड F1 में से जो स्टॉक वेयर हाउस डेली बेसिस पर नहीं दे पा रहा है या कम खत्म हो रहा है या कम हो गया वो उसको F2 में डाल देगा विदाउट एनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। IMS टोटल सिर्फ वेयर हाउस पर ही है। यस, और ये F3 इंडेंट है, मतलब F2 को देखने के बाद परचेज इंचार्ज एंड द वेयर हाउस इंचार्ज विल डिसाइड कि वेदर बाय दिस आइटम और नॉट, क्योंकि समटाइम्स वी हैव द आइटम नॉट इन स्टॉक बट वी डोंट नीड बिकॉज द सीजन इज चेंजिंग और समथिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। वी कांट कीप इट ऑटोमेटेड कि भाई ये माल खत्म हो गया मंगवा लो, यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग रहता है उसके लिए। मेरी बहुत कम रहती, परचेज इंचार्ज अलग से दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, परचेज इंचार्ज और वेयर हाउस इंचार्ज ये दोनों मिलके कर लेते हैं एंड उसके बेसिस पर ये परचेज इंडेंट बनाते हैं। उसमें से जो आइटम हमें एक्चुअल में खरीदनी है या डिमांड देनी है या ऑर्डर देना है वो यहाँ पर आ जाती हैं। और इसको सर नीचे से और दिखाना एक बार जरा। इसी के नीचे ये लिखा हुआ है कि उसने कस्टम सप्लायर को कॉल कर लिया या कौन से सप्लायर से बात की, किसने कॉल की है और उसके पास वो स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, और डिसीजन ऑर्डर बाय नेम ऑफ द सप्लायर एंड द सेल्समैन एंड द ऑर्डर कंफर्म हो गया, डिलीवरी डेट क्या है, PO नंबर क्या है, और ये सारी डिटेल्स यहीं पर देगा वो सेम डे। यहाँ पर ये हमने आगे भी दिया हुआ है ये सारा। ये कौन भर रहा है, ये जो ऑर्डर दे रहा है ये वेयर हाउस इंचार्ज
भर रहा है। हाँ जी, फॉलो अप इसी करेगी। इसके बाद जब यहाँ पर उसकी डिलीवरी डेट आ गई, ऑर्डर कंफर्म आ गया, तो ये फॉलो अप इसी करेगी। इसके लिए हमने लोगों ने ना FMS लगाई हुई है। तो ये FMS गूगल ड्राइव पे है या आपने आपके इंटरनल सिस्टम पे? इंटरनल सिस्टम पे। अभी FMS का शायद इसमें होना चाहिए, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, FMS है इसमें। कहाँ पर? ये परचेज ऑर्डर के फॉर्मेट्स हैं अलग अलग। ये क्या है? ये देखिए, नहीं तो CL5A है, और CL10 का और दिखा दीजिए एक बार। 10 इज ए गुड थिंग। CL10, ये क्या है? इन आउट। ये इन आउट डेटा है सर, जैसे स्टॉक स्टाफ हमारा बाहर जाता है कभी किसी काम से, क्योंकि हर स्टोर पर हमारे पास वॉशरूम्स नहीं है, रिटेल में हर स्टोर पे हो भी नहीं पाते, तो वो जब बाहर जाते हैं तो कई बार 15 मिनट में आ रहा है, कभी आधे घंटे में आ रहा है, तो ये कंट्रोल बड़ा वीक था पहले हमारा। पर जब से ये सिस्टम बनाया है और वो एक रजिस्टर लगा दिया, तो उसके बाद से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इट वॉज ए बिग हेडेक फॉर अस। वो खुद भर के जाता है जी, हाँ, अंदर जाएगा बाहर जाएगा। अब हमने वहाँ पर वो बायोमेट्रिक लगवा दिया, पहले वो मैनुअल शुरू किया था। हाँ हाँ, गार्ड मेक श्योर करता, भरेगा खुद ही। और इसका चेक कैसे करता है कि वो भर के गया या नहीं गया? तो गार्ड के सामने तो भर के जाएगा। हाँ, मतलब उसके लिए भी उनको दिए हुए हैं पैरामीटर्स कि वो 4 बार से ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर आप जाते हो तो दैट बिकम्स योर पर्सनल वर्क विजिट। और जो उसमें लिवरेज दी हुई है MIS में कि 1 घंटे के लिए पर्सनल वर्क के लिए जाना अलाउड है, उससे ज्यादा होगा तो स्कोर माइनस हो जाएगा। MIS कहाँ है? MIS भी है? नहीं, MIS नहीं है, MIS नहीं है, सॉरी, आई डिडंट ब्रिंग द MIS। आप CL10 बोल रहे थे? हाँ है, फिक्स्ड वेरिएशंस आती हैं, पहले बहुत ज्यादा थी, पहले हमें यही फॉलो करना पड़ता था कि 9:30 बजे कि कौन टाइम पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट वॉज ए बिग हेडेक। आज की डेट में लेट आते हैं, मैं ये नहीं कहता सब लोग टाइम पर आते हैं, बट दे आर बॉदर्ड अबाउट दैट बींग लेट। So not bothered. So now overall what's happening, like in terms of sales, in terms of operations, what are the results you're getting out of this overall? Sales mein improvement aayi hai because of the systems. Our customers are much better, feeling much better because of the systems. They are feeling like it is a different company now. Earlier it was a Lala company. Of course we were sitting on the counter many a times. Now they really feel billing systems, we are giving duplicate bills, one they are handing over to guard, and especially the kind of behavior our people are giving to them, the kind of language, the kind of phrases they are using. Jaise ek humne phrase banayi thi, har customer ko jaate waqt ye bolte hain, saman de diya, payment ho gaya, saman usne haath mein le liya, uske baad ek special remarks dete hain ki sir, hamari shubhkamna hai ki aapke bacche swasth rahe aur khush rahe. ये लाइन सुनने के बाद हर कस्टमर के मुझे स्माइल लेके जाते हैं, 100% कंफर्म्ड है कि वो स्माइल देके ही जाता है। तो इस तरह की चीजें ने काफी हेल्प की। ओवरऑल सारा ऑपरेशंस में भी अब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कैसे हो रहा है, सेल्स कैसे हो रही हैं, सेल्स को कैसे आपने क्या किया, सेल्स ऑपरेशंस में क्या 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 कैसे हो रहा है? वेयरहाउसिंग इज 100% ऑटोमेटेड, डेली क्लीनिंग एंड सेटिंग द स्टोर। वन इंपॉर्टेंट थिंग सर, एक 5A दिखाना चाहता हूँ मैं। वी नो ईच एंड एवरी शेल्फ इन द स्टोर इज बींग अटेंडेड और नॉट डेली बेसिस। वी हैव अबाउट लाइक इन वन स्टोर वी मे बी हैविंग अराउंड 200 शेल्फ्स, द अदर स्टोर मे बी हैविंग अराउंड 150 और 180 शेल्फ्स। ऑल द शेल्फ 5A, या this is a shelf record. Here we have the shelf number. और इसमें यह लिखा हुआ है इसमें क्या स्टॉक है, लूज है या बॉक्सेस हैं, और उसको वो डेली क्लीन करेगा। ये पूरे शेल्फ नंबर्स हैं जी,
170 या 169 शेल्फ्स, ये तो डेट वाइज भरेगा जी, डेली बेसिस पर उसको ये मार्क करना है। तीन लोगों की ड्यूटी है, आप बॉटम में दिखाइए अब जरा एक बार, बिल्कुल बॉटम में, यस, यहां पर लिखा है कितने नंबर ऑफ हेल्पर्स हैं आज। सपोज तीन हेल्पर हैं, उनको टारगेट दिया हुआ है कि ये 77 लूज शेल्फ्स हैं और 90 टोटल बॉक्स वाले हैं, तो डेली लूज शेल्फ्स एटलीस्ट अगर हमने तीसरे दिन का रूट बनाया हुआ है कि एवरी थर्ड डे, तो दे हैव टू क्लीन 26 शेल्फ्स एवरी डे। एंड उसमें भी ये सिस्टम है, एक तरीका है कि जस्ट ऊपर ऊपर से साफ कर देगा तो ही विल पुट डैश मार्क, अगर उसने खोल के निकाल के पूरा साफ किया है तो ही विल पुट राइट मार्क, और उसने सिर्फ झाड़न मारी है तो ही विल पुट क्रॉस मार्क। दैट पर्सन हु विल फिल दिस, नो नो, सिग्नेचर ऑफ द डूअर, हेल्प, वो हेल्पर जो साफ करने वाले हैं वो नहीं भरने वाला, ये हमारा सेल्समैन भरता है आमतौर पे, जो कोऑर्डिनेटर या सेल्समैन है, क्योंकि उनका ही सुपरविजन चाहिए वहाँ पर ऑन द हेल्पर्स। और उसके बाद पीसी चेक करेगी कि भाई डेली इतने पूरे जितने हमने शेल्फ्स उसको दिया हुआ है बेंचमार्क, उतने हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पीसी तो ऑडिट कर रही है, नहीं नहीं, पीसी डेली चेकलिस्ट तो पड़ी रही है, डेली चेकलिस्ट तो पड़ेगी पड़ेगी, हफ्ते में एक बार फिजिकली जाके करेगी, क्योंकि डेली वो जाएगी तो फिर उसका बेकार हो जाता है। पीसी के पास आ जाती है, ये पीसी साइन करती है ना नीचे, डेली ये आती है। और अभी तो एक सिस्टम और भी बनाया हुआ है जो जरूरत नहीं है, शुरू शुरू में बनाया था, वो अभी तक चल रहा है, कि शुरू में सारी चेकलिस्टें रात को एक थैले में डल के मेरे पास आ जाती थी अलॉन्ग विद द की एंड द कैश, तो वो मैं देखा तो नहीं है मैंने पिछले 6 महीने से, बट वो एक सिस्टम में आ गया तो वही चल रहा है अभी तक। मॉर्निंग में जब चाबी जाती है तो वो साथ साथ चली जाती हैं इंडिविजुअल स्टोर्स पे। हाँ नहीं डाल सकते हैं, बट माई स्टाफ इज नॉट इक्विप्ड, पीसी माइट बी, बट जरूरत नहीं है इतने डेटा को हमें हैंडल करने की, जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है मैं दिखाता हूँ, एक मेरी वो सेल्समैन का जो हमारा रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, कि भाई सेल्स स्टाफ की MIS बनाने के लिए पहले उनका सेल्स डेटा बनाना पड़ता है हमें, जो हमारे सिस्टम में जनरेट होता है थ्रू बिलिंग, वो सॉफ्टवेयर से ही जनरेट होता है कि भाई हु इज सेलिंग, हाउ मच ही इज सेलिंग, हाउ मेनी पीसीज ही इज सेलिंग, हाउ मेनी कस्टमर्स ही अटेंडेड, इसको मतलब जो रिटेल की लैंग्वेज में पी डोली बोलते हैं, जो कस्टमर सामान लेके चला जाता है उसको पी बोलते हैं, और जो नहीं लेके जाता उसको डोली बोलते हैं, तो हमने उसका नाम भी वही रखा है ताकि स्टाफ पूरी तरह उससे एक्वेंटेड हो सके। तो उसकी पी डोली रिपोर्ट बनती है, उसकी पी डोली MIS बनती है स्पेशली, वे हाउ मेनी कस्टमर्स यू अटेंडेड, एंड इसका डेटा मेरी पीसी 3 बार लेने जाती है दिन में हर स्टोर पे। सवेरे आने के बाद शी विल कलेक्ट द डेटा एट अराउंड 1 o'clock, क्योंकि 10 बजे वर्किंग शुरू होती है, तो 1 o'clock शी विल आस्क ईच एंड एवरी सेल्समैन, उनके पास काउंटर दिए हुए, हमने शुरू शुरू में तो हमने वैसे ही कर दिया था कि भाई तू अपने आप नोट कर लेना पेपर पे, बट उनको काउंटर दे दिए, जैसे ही वो कस्टमर के सामने जाएगा अपने काउंटर में एक क्लिक करेगा, कस्टमर ऐड हो गया उसका, वो सामान लेके गया तो बिल बन जाएगा, तो सिस्टम में आ जाएगा, और नहीं लेके गया तो उसके पास तो वो कस्टमर ऐड हो चुका। सपोज उसने 2 घंटे में 6 कस्टमर अटेंड किए और 4 बिल बने हैं, तो उसका जो कन्वर्जन रेशो है वो 66% हो गया। लाइक दिस इट इज बीइंग मेंटेन्ड, हाँ, काउंटर पे उनको फिंगर पे पहने हुए हैं उन्होंने, इस तरह के काउंटर आते हैं जो फिंगर पे पहन लेते हैं वो, जब भी कस्टमर अटेंड करते हैं उसको। हाँ जी, अच्छा, अब सवाल ये आ गया था मेरे सामने कि भाई ये नहीं करेगा तो क्या करूँगा मैं, मेरा गार्ड बाहर बैठा है, नंबर ऑफ टोटल कस्टमर्स एंटर कितने हो रहे हैं वो चेक कर रहा है, तो जिस दिन भी वेरिएशन मिलेगी तो सबके जिम्मे एक एक कस्टमर बढ़ा देंगे हम, तो कोई भी मैनिपुलेशन करेगा आपस में ही बता देते हैं, वो आपस में ही बता देते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें हुई है, अर्लियर वी हैड ए प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि मान लीजिए 4 सेल्समैन हैं और एक कस्टमर एक्सचेंज कराने आ गया, तो कोई भी सेल्समैन उस कस्टमर को अटेंड करना नहीं चाहता था। और ये मैं समझता हूँ कोई रिटेल में होंगे तो वो भी समझते होंगे इस चीज़ को, कि नन ऑफ द सेल्समैन वॉज टू अटेंड सच कस्टमर। एंड टूडे इन माई शॉप ऑल द 3 स्टोर्स
Everybody is running behind such customers. Each one of the salesmen is running behind. कि मुझे exchange वाला जरूर करना है. This is the great thing I could achieve. हमने उसमें सिर्फ एक ही काम किया कि जिस भी सेल्समैन ने वो सामान दिया था वो उसी के नाम डेबिट हो गया और जिसने नया सामान दिया है उसके नाम वो क्रेडिट हो गया. इसको कहते हैं मेजरमेंट ड्राइव्स बिहेवियर. मेजरमेंट विल ऑलवेज ड्राइव पीपल एंड बिहेवियर. एंड वंस यू स्टार्ट, ये चीज मेरे सारे स्टाफ ने एक्सेप्ट की है. अभी मैं एक्चुअली हम रिटेल में ना एक रिटेल एम्प्लॉयज डे सेलिब्रेट करते हैं थ्रू रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो ये 12th ऑफ दिसंबर इज द डे फिक्स्ड फॉर दैट. तो 12 दिसंबर को मैंने अभी एक रिपीट एक टीम अलाइनमेंट मीटिंग ली थी सारे स्टाफ की. बट दैट ऑल्सो ऑन देयर अर्ज दे आस्क मी कि भाई साहब वो पिछले साल हमने कमिटमेंट्स किए थे कुछ. लास्ट ईयर आपने टीम अलाइनमेंट मीटिंग की थी 25th ऑफ दिसंबर को, तो उसका एक बार लेखा जोखा तो हमें दे दो. तो बेस्ड ऑन दैट आई प्रिपेयर्ड, आई शेयर्ड विद हिम कि हाउ टू टेक इट एंड व्हाट शुड बी माय मोडस ऑपरेंडी एंड एक्शन प्लान. तो उसमें लेने के उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया जी हाँ ये चेंजेस बहुत स्ट्रांगली आए हैं. वी आर सो हैप्पी विद दीज सिस्टम्स. अभी ऐसा लगता है ये सिस्टम के बिना हम काम ही नहीं कर सकते. ये सारे स्टाफ ने एक्सेप्ट किया है जी. 30 पीपल. हम प्रोडक्ट वाइज नहीं निकालते, हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप वाइज निकालते हैं. जैसे मान लीजिए बॉयज जैकेट्स, तो उसका निकाल लेते हैं हम. बॉयज स्वेट शर्ट्स, बॉयज टी शर्ट्स, बॉयज शर्ट्स, इस तरह से हम निकाल के रखते हैं. 100% 100% साल में 2 बार स्टॉक लेते हैं हम. पहले भी होता था, अब बेटर हो रहा है, बस इतना ही फर्क है. स्टॉक की कभी दिक्कत नहीं आई. इट हैपेंस समटाइम्स, वेरी रेयर. मतलब साल में कोई 1-2 पीस नहीं, 1-2 पीस की प्रॉब्लम आती है साल में, ऐसा नहीं. क्योंकि बार कोडेड है हर आइटम, तो उसमें कोई रीजन नहीं है उसको गलत होने का. हाँ, समटाइम्स वी लूज द बार कोड्स, वो हट जाते हैं ड्यूरिंग द यूजेज. तो उसके लिए हमने एक अलग सिस्टम बना लिया. पहले नहीं था, उस टाइम तो क्या करते थे, एक डमी आइटम डाली हुई थी उसमें डाल देते थे. अभी क्या है, वो डेली बेसिस पर शाम को मेरी एक डेली मीटिंग रिपोर्ट है, उसमें लिखा होता है नीचे कितने पीस बिना बारकोड के मिले. तो हैं वो नहीं, वो पीसेस वापस वेयर हाउस में जाते हैं, फिर बारकोड लग के आता है. बट वो जो एक मार्क लगा दिया ना जी, जिस चीज़ को जो भी हमारा पेन पॉइंट था, जिस चीज़ से हमें दिक्कत आ रही थी कि इसका क्या करें, उसका मेजरमेंट डाल दिया. डेली मीटिंग रिपोर्ट है एक, उसमें वो डेली अपने टारगेट्स लिखता है हर सेल्समैन, और वो कलेक्टिव मीटिंग करते हैं 6-7 लोग इकट्ठे, और उसमें वो डिस्कस करते हैं कि मैंने आज सेल कितनी की, तुमने कितनी की है, उसने कितनी की है, एंड बेस्ट सेलर इज बीइंग अवार्डेड ऑन दैट. मतलब क्लैपिंग होती है उसके लिए पूरी. इसका एक डेली मीटिंग होटल चेकिंग, यस यस, नॉट मच. हाँ, 4 AM आई डेफिनेटली डू सो मेनी टाइम्स. एक सेकेंड, उस समय ना होटल चेक इन मैंने शुरू किया नहीं था. मतलब आई वॉज नॉट, नो, सो होटल चेक इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एडवोकेटिंग. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज एट, वी हैड नॉट डिस्कवर्ड हाउ पावरफुल होटल चेक इन इज. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ज्यादा होटल, हाँ नहीं, मुझे आपने 16 तारीख को बोला था कि आई विल शेयर विद यू, ना आपसे आपने कुछ काम करना हो तो 4 AM से बेटर है कि होटल चेक इन. ये तो मैंने अब बताया इनको. बहुत बढ़िया काम करता है जी, बहुत बढ़िया काम करता है. हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स तो बहुत ज्यादा किया था, बट अभी भी मतलब महीने में 4-6 बार तो कर ही लेते हैं. एज एंड व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डन विद कंसंट्रेशन एंड इट्स अ लॉन्ग एक्टिविटी, आई नीड टू फिनिश इट टुडे, डन, बिकॉज इन द डे टाइम यू डोंट गेट मच ऑफ कंसंट्रेशन एंड आइसोलेशन. अब आप इनको जो इनका क्वेश्चन है वो जरा क्वेश्चन आंसर कर दो. क्वेश्चन ये है कि ये सारा काम करने के लिए हम काम करें कैसे, मतलब करनी, जैसे हमारे आपके बैच में भी करना मुश्किल होता है ना. यस, समझ में आ जाता है, करते नहीं है. फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट तो सबसे पहले 3 दिन होटल में रह के ही बने थे. जो फ्लो चार्ट 3 दिन रह के होटल में बना था वही आज तक काम आ रहा है.
एक बार वो फ्लो चार्ट बन गया, दैट इज हेल्पिंग मी ईच एंड एवरीथिंग. द सेम थिंग आई डिड व्हेन स्टार्टिंग दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑन 20th ऑफ सेप्टेम्बर. आई स्पेंट 4 to 5 hours इन आइसोलेशन एंड देयर आई कुड प्रिपेयर दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एंड दैट ओनली हेल्प मी टू अचीव द टारगेट. सो आपका क्या इन सबको वो रहेगा एज अ सीनियर सो टू से, कि अगर ये सब इंप्लीमेंट करना है, क्या होता क्या अभी फ्लो चार्ट बनानी है सबने, मतलब फ्लो चार्ट बन गई, एफएमएस बननी है, ठीक है, एफएमएस बनी नहीं है, पीएमएस बनी नहीं है. मैं देखूं जरा, मैं लेके आया हूँ, क्या देख लेंगे तो जरा इजी हो जाएगा. ये एफएमएस मैंने निकाली है इसमें, एक सेकंड. ये क्या है? ये मैंने आपको ये मेरी ट्रांजेक्शन शीट है, डेली ट्रांजेक्शन से अलग अलग स्टोर से आती है, वापस जाता हूँ. तो ये कौन सा वाला है? सिस्टम्स डॉक्यूमेंट्स. एक सिस्टम डॉक्यूमेंट तो ये मैंने वैसे एक राइटअप बनाया हुआ है. क्या चेकलिस्ट एंड फॉर्मेट्स कौन सा भेजो? उसी में. हाँ, इसी में. हाँ, इसी में. ये मैंने पेन ड्राइव दी उसी में. क्या है, कौन सी वाली? ये CL है, ये T है, MRN, PO, सेल्स ग्रोथ डेटा, PO, MRN. मैं आपका वो खोल लूँ गूगल ड्राइव, मैं आपका गूगल ड्राइव खोल देता हूँ, एक सेकंड लगेगा. अरे मैं आपका गूगल ड्राइव खोल देता हूँ ना, ये मैं साइन आउट करके आपका साइन इन कर देता हूँ. आप बताओ क्या? एनी मोर क्वेश्चंस और व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम हाउ टू डू दिस, करें कैसे, मतलब समय कैसे निकालें, करें कैसे, हो नहीं रहा. ये सवाल मेरे पास भी था जब मैं कोर्स कर रहा था, मैंने क्लास में भी बोला था राहुल को, आज फिर बोल रहा हूँ. ये सारा काम है बहुत आसान, बस सिर्फ टीडियस है, लंबा इतना है कि करने का मन ही नहीं करता. करने बैठो तो लगता है यार ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना लंबा निकलेगा, मतलब धागा खींचते जाओ ऐसा लगता है हमसे होगा नहीं. पर जब करने बैठे और ये सोच के बैठे ना कि भाई आज 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, ये अगर करके उठना है तभी हुआ ये. एंड दिस इज प्लेइंग वंडरफुली इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. बहुत छोटी छोटी चीजें आपने देखा भी होगा, मतलब झाड़ू लगी कि नहीं लगी, और उसने सफाई के कपड़े ठीक से वापस अपनी जगह पर रखे या नहीं रखे, पानी का जग जहाँ पर रहता है दिन भर वहाँ से उठा के उसको रात को अलग जगह रखना ताकि वो ड्राई हो जाए. पंखे का भी लिखा हुआ था. हाँ जी, एवरीथिंग. नहीं नहीं, वो करने वाला अलग है, क्रॉस किए हुए सारे. हेलो, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर क्रॉस्ड. छोड़ दो, लिसन टू व्हाट यू नीड टू डू टू कंप्लीट दिस एंड लिसन टू हिज एक्सपीरियंस. आप ये बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था. देखो, एक बात तो होती है कि आप बैठे थे वर्कशॉप में, रिटेल की बातें तो कम होती हैं, कम होती है, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब चल रहा होता है. इवन 16th ऑफ फरवरी आई वाज अबाउट टू लीव दिस कोर्स, बट मैंने एक ही काम ठीक किया कि मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने राहुल को फोन लगाया, मैंने कहा राहुल ये दिक्कत आ रही है, मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है चीजें. वो कहने लगा तुम एक बार आ जाओ, बाकी मैं टैकल कर लूंगा. पर उस दिन अगर किसी और से बात की होती, मेरे साथ थे और भी लोग जो मेरी जैसी बातें कर रहे थे, पर ये मैंने सही काम किया कि मैंने कंटिन्यू कर लिया, और आज मैं ये जानता हूं कि मेरा जो टारगेट है वो 100% अचीव कर जाऊंगा 10 साल में जो करना है.
क्या टारगेट है? बोलो बोलो। नहीं नहीं, टारगेट बहुत अच्छा है, आसान है। वी विश टू सर्व एटलीस्ट 5 crore फैमिलीज थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड अचीव 50,000 crore टर्नओवर विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000 crore। वाओ, यू नीड गट्स टू क्रिएट दैट एंड से दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। या And for the rest of us, we would depend on where we are or what we are doing and what we are struggling with. But to be able to widen your horizon and think about things like this, you need to get out of everything. We are confident. Manifestation works amazingly. Share karo. Kya? Manifestation ka toh matlab aap ye maan ke chaliye, gazab ka effect hai. Shayad ye course manifestation ki wajah se hi hua hai. I had this thing in my mind and the universe made a way. How to achieve that target through him. Otherwise, Rahul से मिलना possible नहीं था, क्योंकि मेरे system में कहीं दूर दूर तक भी ऐसा नहीं था, क्योंकि इस level पे मैं आज से 1 साल पहले था, वहाँ मैं 5 lakh rupees की fees दे के course कर लूँ, ऐसा possible ही नहीं था मेरे लिए। So what prompted you to pay fees of 5 lakhs and do a program when you were? Because I had this thing commitment in mind कि मैंने करना है, आगे तो जाना है। आगे जाने का जो भी रास्ता मिले वो पकड़ना है, और मैनिफेस्टेशन से ही मेरा ये, जैसे 15th of October को मैं इनसे मिला, उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि 1 साल के अंदर नेक्स्ट बड़ा स्टोर बनाना है एक, एंड 16th of October नेक्स्ट ईयर 2016 आई गॉट इट। एंड माइंड यू, जस्ट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, ही ओपन्ड अ स्टोर व्हिच वाज 10 टाइम्स बिगर देन हिज एग्जिस्टिंग स्टोर। Right? So for you, you may not understand this, you may not get it, you may not realize it, you may not relate to it. But to open a store, for all retail people, open a store 10 times bigger than yours. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। So even आप ये सोच लो कि आप 1 साल में अपने इस समय जितना काम है उससे 10 times bigger store space वगैरह वगैरह पे expand कर जाओ। And that's not a small feat. By any chance, and it takes work, a lot of hard work, right? And it was amazing his journey, because जैसे भी करके basic छोटा सा store, हिंदी वाले लोग, सारा अंग्रेजी में बनाया, फिर हिंदी में translate किया, उनके साथ बैठ के बनाया, पूरे system बनाया, roll out कर दिया, उसको autopilot पे डाल दिया, सब कुछ, ठक, वो autopilot पे डाला, नया store खोल लिया। और नया स्टोर 1 महीने में ऑटो पायलट पे डाल दिया। अभी नेक्स्ट की प्लानिंग शुरू है जी, ऑनलाइन की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है। अभी डीमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट है? डीमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट है? ओनली नवंबर वाज अबाउट 20% लो, नथिंग मच। तो आपको ऐसा नहीं लगता गलत टाइम पे स्टोर खोल दिया? बहुत अच्छे टाइम पर खोला। क्यों? सारा काला पैसा दुकान में लगा दिया। Feel myself lucky. Okay. So if you are into manifestation, you know everything starts working in a way that starts falling into place. Then you start looking at it. हाँ, आपकी तो बहुत सब, इनकी manifestation की class हुई थी 8 तारीख को। 8 तारीख को manifestation की class हुई, शाम को घर गए, सारी manifestation मिल गई। सब, but probably these are the things happening to fulfill our manifestations. Things are happening in a very different way, which we can never imagine even. मैंने जैसे आज जब इन्होंने कहा कि भाई आपको ग्रो करना है तो सारा काम पक्के में करना पड़ेगा, कैश की बात भूल जाओ, एंड आई फील दिस इज द थिंग्स, दीज आर थिंग्स आर हैपनिंग। कोर्स के दौरान जीएसटी की बातचीत शुरू हुई, पर जीएसटी आने में टाइम था, उसके बीच में ये एक बड़ा बम फूटा, जिससे हमें पर फोर्स भी पक्के पे जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम लोग कच्चे में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर जा रहा होता है। जब यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी सबके लिए जाना ही पड़ेगा, तो आपके लिए तो ईजी हो गया, क्योंकि आपके पास तो टूल्स हैं MIS के, और ये सारे सिस्टम्स अडॉप्ट डाल रही हैं। एंड नाउ वी आर मच अहेड ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स, none of our competitor has these systems in hand, and this is something nobody can take out from us. He has to go into the depth
I have met one or more alumni which who did your course earlier. Rahul naam hai, Noida se. कमेंट वाला ये लास्ट बैच में उसने मेरे को कॉल किया था, अभी चार दिन पहले ही मिला था मुझे बॉम्बे बुकिंग पे. ही वाज वेरी एक्साइटेड. बहुत अच्छा उसको लग रहा है. वी शेयर्ड द एक्सपीरियंस अबाउट 1.5 आवर. फर्स्ट टाइम मिले थे एंड वी शेयर्ड द एक्सपीरियंस इन अ वेरी नाइस वे. ही इज ऑल्सो ए गारमेंट रिटेलर. रोहित यू आर राइट. चलो सो व्हाट Yeah, what we'll do is we'll go for a break. So for all of you who want to sit down with him on a one-to-one basis, please catch up. Aap phone number likh denge, please. Time kaise nikala? Do minute bata do ki kaise kiya. Time nikalne ke liye scheduling ki thi sir. Family ko time pehle de diya, uske baad apne business ko time diya. Jo time diya wo use ho gaya. Badhiya tarike se use hua. Aur out of office to baithna hi padega. होटल चेकिंग मैं बताया आपको एक बार ही की थी. वही मैंने होटल चेक इन बताया नहीं था इनको. अभी इनको जब इनका होटल इनका जब वो खुला था ना स्टोर, तब मैंने होटल चेक इन. इन लोगों के समय में आउट ऑफ ऑफिस कैफे में बैठना था, 4 AM करना था. तो ये जो सिस्टम बने वो आउट ऑफ ऑफिस और 4 AM में बने. नाउ यू हैव अ मोर पावरफुल टूल देन दे हैड. पहले 4 AM भी नहीं था, पहले 8 AM था. हाँ, पहले ATM और कैफे कॉफी डे होता था. नहीं, 4 AM से ज्यादा तो करना ही मतलब यू डोंट नीड मोर देन. बस अभी तो यही है. जब दूसरा इफ आई गेट अ बेटर एंड अ मोर सुपीरियर टूल आई टेल यू. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. नाइस, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू. छोड़ दीजिए. Thank you. So nice. Naresh sharing. क्या समझ में आया? Guys, understand one thing. So question ये है कि जितना depth में इन्होंने किया उतनी depth में करना है क्या? अरे हेलो, पंखे खुले हैं नहीं खुले हैं वो तो इनको करना था. इनकी रिटेल का सिस्टम है, आपका रिटेल का सिस्टम नहीं है. आपको जो चाहिए आप उसके हिसाब से बनाओ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू क्रिएट दैट. व्हाट आर योर चैलेंजेस, गेट दैट ऑन अ चेकलिस्ट टू मेक इट ऑन एन ऑटो पायलट, मेक इट ऑन एन FMS, मेक इट ऑन एवरीथिंग. द पॉइंट वॉज दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर फीलिंग दैट you know these systems, are they relevant for retail, are they relevant for projects, are they relevant for production, are they relevant for architecture, are they relevant for whatever. They are relevant for everything. The only problem and the only challenge that you face is that you don't make it. The science is the same and the science is sit down and do it. एंड बस वो सिट डाउन एंड डू इट करने में वो उसको छोड़ के सारा काम करवा लो. पेन ड्राइव दे दो, उसको टीप लूंगा और ये दे दो मैं वो कर लूंगा. अरे बाबा, पेन ड्राइव ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, फॉर्मेट्स ले लो, चेकलिस्ट ले लो, मगर उससे कुछ होगा नहीं. बनानी आपको ही पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे. बिकॉज चेकलिस्ट में देखोगे आप और बोलोगे अच्छा ऐसा है मगर मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा. और अगर आप अपना दिमाग लगा के एक बार कर लोगे तो आप यू विल बिकम मास्टर्स एट इट. और अगर आप टीप लोगे तो आप मास्टर नहीं बनोगे उसमें. यू विल नॉट बिकम मास्टर्स एट इट. यू नीड टू बिकम मास्टर्स एट इट. एंड दैट इज वाई आई रेजिस्ट गिविंग दीज थिंग्स टू यू. ओके, एंड दैट्स वाई एवरी टाइम मैं आपको बोलता हूं कि ये आई डोंट डू दिस कट कॉपी पेस्ट. बनाना आपको अपने हाथों से खुद है और तब जाके आपकी परफेक्शन और मास्टरी आएगी. और वो जो बन के आएगा ना उसका कोई जवाब नहीं होगा. और आप कट कॉपी पेस्ट करोगे उसमें प्रॉब्लम आती है. क्या? किसी और का सिस्टम बन जाता है, फिर वो आपके सिस्टम में उतना अच्छा चलता नहीं. So that's why I have a resistance to giving it to you. Mere ko problem kya nahi to? I mean, do I have a problem giving it to you? I can give it to you. Are these structures and formats not available? They're all available.
बट वाई आर यू नॉट मेकिंग इट, ये कोई नहीं पूछता. आपकी जान क्यों निकल रही है बैठ के बनाने में? अरे जिंदगी में एक बार मेहनत कर लो, इट विल लास्ट अ लाइफ टाइम. एक बार मेहनत कर लो, और अब क्या रह गया? अब तो बहुत कम रह गया. सिस्टम समझ में आ गया, सिस्टम बनाना समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया. अब आप एक ही जगह पे अटके हुए हो, सब कर नहीं रहे. और क्या नहीं कर रहे? बड़ी सिंपल सी चीज नहीं कर रहे, होटल चेक इन नहीं कर रहे. होटल में जाके बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा. सिर्फ ये करना है, होटल में जाके बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा. ऐसा कौन सा पहाड़ है होटल में जाके बैठना? मतलब क्यों, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑन दिस? आपने इनसे पूछा, आपने होटल चेक इन किया क्या? सर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि देश में वो नहीं बोलते ना, सब सही है. ये तो नहीं किया इन लोगों ने, नहीं किया, बट किसी ने ये नहीं किया कि चार बजे कितनी बार किया. अगली बार ना पैकेज में ऐड कर दो अमाउंट जो है, जाने 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 बाढ़ में. तो इनके समय में जब ये लोग कर रहे थे, तब मैं होटल चेक इन एडवोकेट नहीं कर रहा था. मैं खड़े होके चार बजे बोल रहा था इनको, चिल्ला चिल्ला के, कि 4 o'clock एवरी डे, 4 o'clock एवरी डे, 4 o'clock एवरी डे, 4 o'clock एवरी डे. मैं इनको बोला रोज 4 बजे उठ के काम करना है, रोज 4 बजे उठ के काम करना है, हर ऑल्टरनेट डेज आउट ऑफ ऑफिस बैठना है, हर ऑल्टरनेट डे ऑफिस आउट ऑफ ऑफिस बैठना है. अब आपको उससे ज्यादा सुपीरियर टूल बता रहा हूं. ये लोग स्पैनर लगा के करते थे, मैंने आपको ड्रिल मशीन लगा दी जो ग्रर करके खुल जाती है, आपको दे रहा हूं. होटल चेक इन कर लो, सारा काम हो गया, फिनिश्ड, चैप्टर क्लोज्ड. वो करने को तैयार नहीं. अब मुझे रेजिस्टेंस बता दो क्या है, मतलब ताकि मैं समझने की कोशिश करूं, उसका मैं सोल्यूशन निकाल दूं. क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताओ. अरे रोज के पंगे किसने बोला? होटल चेक इन में मत लो, एक सेकेंड, आप होटल चेक इन कर लो. होटल चेक इन में आपका ये इट्स जस्ट अ माइंड ब्लॉक. होटल चेक इन कर लो, 3 घंटा काम करो, आधा घंटा ब्रेक लोगे, उसमें फोन करके सारे पंगे निपटा दो. क्या प्रॉब्लम है? जितने मिस्ड कॉल आए, जितने काम कर रहे हैं, वो आधे घंटे में खत्म कर लोगे. अभी वो आधे घंटे की जगह आप उसकी जगह आप 3 घंटे लगा लेते हो ऑफिस में बैठते हो, तो 3 घंटे का काम अगर आधे घंटे में होता है या 1 घंटे में होता है 3 घंटे का काम, तो जस्ट सी हाउ इंपॉर्टेंट दैट टाइम इज फॉर यू. आपका ऑफिस का भी काम हो गया और आपका होटल चेक इन का भी काम हो गया, दोनों कर लो और दोनों काम होटल चेक इन से हो जाएंगे. और ऐसा कौन सा काम है जो आपके ऑफिस में है, जो आपको ऑफिस में करना है होटल चेक इन में नहीं कर सकते? बातें कथा गप, हाँ हाँ ले जाओ, जिसके साथ बैठ बैठ के काम करवा लो. टेक समबडी विद यू जो सारा बैठ बैठ के काम कर ले. एक बात और करनी है सबने, सबने एक MIS का लड़का रखना है, एक्सेल स्पेशलिस्ट. पार्ट टाइम भी चल जाएगा, नहीं तो फुल टाइम. जितने लोगों का थोड़ा काम, थोड़ा एक्सपेंस है, थोड़ा सा काम स्प्रेड आउट है, तो एक MIS का लड़का रख लो. MIS का लड़का मतलब एक्सेल का स्पेशलिस्ट. खड़े हो, जोर से बोलो, मेरी बात तो खड़े हो, तुम ही बोलो, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं. बोलो बोलो, खड़े होके जोर से बोलो. आपको याद है इन्होंने MIS का लड़का शुरू में रख दिया था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता खाली बैठा था. मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी PMS में, और मैं 1 महीने से अटका हुआ था, इसलिए कि एक्सेल में मैं उसको मैप आउट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक्सेल वाला काम सारा मुझे करना पड़ता था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी. तो जैसे ही मैंने MIS वाला लड़का रखा, तो सबसे पहले मैंने सर से पूछा, सर क्या करूँ इनको? तो सर ने मुझे बताया कि इसमें आप जो काम आप करना चाहते हो वो आप MIS वाले से करवा लो सारा. और उसने इतना अच्छा डेटाबेस पूरा बना के दे दिया, पूरा मुझे एक्सेल में मुझे सब चीज़ें बता दी कि आपके प्रोडक्शन में अब हो रहा है, अब नहीं हो रहा, अब इस टाइम ये जॉब चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये कल उतरना चाहिए था लेकिन अब भी चढ़ा हुआ है. मुझे डेली बेसिस पे रोज शाम को सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है. तो ये हाँ तू हाँ वो डेटा एंट्री वाला से सारा डेटा MIS में आ जाता है, उससे
MIS में नहीं आता, एक्सेल पे आ जाता सारा। डेटा एंट्री इज अ सेपरेट गाय, MIS इज अ सेपरेट गाय फॉर यू फॉर स्पेशली। नहीं फॉर मी आल्सो, मैंने भी सेपरेट ही रखा। सॉरी, बोथ हैव टू बी मेल। इवन डेटाबेस भी उसने पूरा बना दिया कि इस टाइम हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस किस लोकेशन पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट इस टाइम रुका हुआ है, वो सारा एक्सेल शीट पे आ गया। अदरवाइज मुझे फैक्ट्री में राउंड मारना पड़ता था, फिजिकली देखना पड़ता था क्या हो रहा है। आप ये सोचो कि 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए का MIS ERP आपको मिल रहा है, जो लड़का 20,000 रुपए महीने में आके आपका सारा ये काम कर देगा। कितने? 27 अगर आप देखो जो बंदा चाहिए आपको, उसको मैक्रोस आने चाहिए और मैक्रोस की कोडिंग आनी चाहिए। हाँ, VBA पता नहीं। So, उसको he should know how to do the coding in VBA and if possible अगर उसको SQL और SQL और Access वैसे आता होता है इन लोगों को, where you can store all the data, जिसको macros की coding आती है ना, programming, उसको सब कुछ आता है। drive के macros अलग होते हैं, उसमें बनाने पड़ते हैं। हाँ तो ठीक है, चलो आप कहते हैं आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो वो मतलब 2 महीने 3 महीने। अरे रख लो ना भी, वो एक वो नहीं, वो ये नहीं करते। सॉरी हाँ नहीं मिलते, कम है। किसी को जानकारी है क्या जहां गूगल शीट्स की? हाँ, एनीबडी नोस? गौरव, कैन यू फाइंड समथिंग आउट? हाँ, किस पे? हाँ, सो द सोल्यूशन फॉर दैट इज उसको बेसिक, ही नोज द बेसिक थिंकिंग बिहाइंड मैक्रोस प्रोग्रामिंग। ऑल ऑफ दी स्क्रिप्ट्स आर रेडीमेड अवेलेबल ऑन यूट्यूब इंसिडेंटली, सो उसको सिर्फ यूट्यूब पे जाके सारी स्क्रिप्ट सोर्स करनी हो जाएगा। माय पॉइंट इज आप लोग एक MS Excel का यू नीड टू हायर अ गाय हु नोज कोडिंग इन मैक्रोस, और ये अर्जेंटली हायर कर लो, बिकॉज MIS जब आप करोगे तो आपको ये बंदा चाहिए होगा। कहीं पर आप रेफरेंस देकर के अगर वर्कआउट कर सकें गूगल स्क्रिप्टिंग एंड गूगल के लिए, ये मैं कर लेता हूँ। इट कैन बी वेरी वाइटल एंड वेरी लिटरेचर सपोर्ट। गूगल स्क्रिप्टिंग का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर है, आई नीड टू फाइंड दैट आउट, सो दैट गूगल स्क्रिप्टिंग आवर टीम मेंबर्स फॉर प्रॉपर करिकुलम। यस, सो फॉर anybody who knows how to program on Google Sheets, macros programming on Google Sheets, equivalent of macros programming on Google Sheets, बात करता हूँ मैं, but वो training institute कोई होगा नहीं, नहीं तो संजीव ने मेरे को बताया होगा। Anyway, I'll talk to him, find out. Okay, guys. So coming back to hotel check-in. Now, what is the block you have of hotel check-in? Any other block? What is the block? क्यों? तो आप चले जाओ, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, फिर वहां पर क्या है सर, जो आज जैसे स्पेस जितनी चाहिए होती है, आज वहां पर इतनी ज्यादा वहां पर डेस्क वर्क्स होते नहीं है, वो पूरी खुल के काम भी नहीं होता रूम के अंदर में ना। क्यों? वो छोटी सी टेबल, मैं तो करके आया हूँ सर उसके अंदर में, तो फिर मुझे तो क्या है कि पूरा जैसे आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं तो यू नीड लॉट ऑफ स्पेस, तो ढंग से कुछ नहीं होता। हेलो, ओ यार तू तो
कुछ ना मैंने फिर क्या किया था सर, मैंने एक दिन सब मोबाइल वगैरह बंद करके घर पे मेरा जैसे एक फ्लोर पे ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया आराम से, वहां पर सारा काम खींच दिया फिर। हाँ बट नजर बंद होके जैसे करते ना काम किया, 2 घंटा ऑफिस किया, 12 बजे मोबाइल किया ऑफ, और वहां से 12 बजे तक शाम के 7 बजे तक इतना रिलैक्स फील हो गया मैं तो सारा काम निपट गया मेरा। हाँ तो फेयर इनफ, बट आई एम सेइंग स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीस थिंग्स। तो मेरे को लगा कि वही जो होटल चेक इन में करना है मेरे को वहां पर जाना है, क्योंकि वहां पर काम तो एक तो आधा दिन वैसे खराब हो जाता है, क्योंकि काम पहुंचते हैं 9-10 बजे तक आप पहुंचे किसी भी होटल में, तो वो मोमेंटम बनते बनते और ऊपर में अच्छे से 4 AM यदि आपने करा तो काम क्या है एक ही दिन में पूरा निपट जाता है। एक दिन में नहीं होते कुछ काम सर, पड़ा काम तो खींचा था सर पर। अरे बाबा मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि काम खींचेगा नहीं, पहले तो मैं सिर्फ कैफे कॉफी डे से काम करवा लेता था सर, वहां तो जगह होती नहीं है। अरे बाबा वहां से सारे काम हुए आज तक सर, होते हैं। आप ये बोल रहे हो कि नहीं होते, तो इन इन सब ने जो पहले वाले थे सर करी है, वो बात ठीक है, सारे जो क्वालिटी आप बता रहे हो उससे बेटर टूल क्या है? तो बेटर बेस्ट टूल ये होता है कि होटल चेक इन करो फॉर 2 नाइट्स नॉट फॉर 1 नाइट। सर जब एक दिन में काम निपटता है फिर 2 दिन क्यों करें? अरे बाबा काम नहीं निपट रहे, काम निपट नहीं रहे, आपने वो सारे काम खत्म करने हैं, अगले दिन आपकी बुद्धि चलने लगेगी, दूसरे दिन, पहले दिन में बुद्धि नहीं चलती, दूसरे दिन में असली बुद्धि तो दूसरे दिन चलती है, और दूसरे दिन बुद्धि चल के सुबह से लेके रात तक जो काम खींचते हो वो होता है अमेजिंग। वो जगह से ना अटैचमेंट होने में आधा दिन लग जाता है, जैसे रूम है कोई तो आधा दिन तो आप शादी कर रहे हो सर, वो क्या कोई भी सर एक अटैचमेंट सर होता ही है सर, अपनी सीट पर बैठते दिमाग चलता है, दूसरे की सीट पर बैठते दिमाग नहीं चलता। तो ये सब कहानियां छोड़ दो प्लीज। माइक लो। Now, I'll just share this experience of listen, this is for you. Unconditional support of a coach. Do hotel check-in. He was traveling, and I was in. Mic pass rakho zara. I was in process of connecting sir with somebody. एंड वो उसमें गलती से ना मैं पिछले हफ्ते की नोट्स पे चले गई और मैं सर पकड़ के ऐसे बैठी थी एंड आई एक्चुअली वॉन्टेड टू गो बैक स्टार्ट फ्रॉम वीक 1 एंड डू इट एंड आई एक्चुअली वेंट थ्रू द नोट्स अगेन एंड अगेन एंड आई रियलाइज कि वेयर ऑल थिंग्स विच आई एम वेरी हैप्पी FMS रोल्ड आउट एंड आई रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस स्टेप आई हैव मिस्ड आउट एंड आई वांट टू अगेन गो एंड गेट इट डन। When the previous speaker we had, he mentioned about GP sheet and I just told Rohit, I said, Rohit, I think I need to revise this again. And he made me recollect in the break that remember we did this, I said, oh my God. And it was like that. So in case if you say one day work is over, just go back to that, watch those videos again or reread a book which he has recommended. And again a tune will go. Notes likh lo, homework likh lo, bas. Wo to sab to pakda kaun kaun sa ho chuka, tick tick karte chale gaye. Asli kahani ye hai ki yahan pe to convince ho jata hai hotel check-in ke liye, but jab yahan se bahar jaate hain, wo jo aapke wala problem. So guys, if you are hello, if you are going to और ये कहानियां मत सुना। राहुल मुझसे पूछता कि आपके ना बाल नहीं पके अभी तक ऐसे सुन सुन के कि मेरी कुर्सी बदल गई, अटैचमेंट नहीं हो रही मेरी कुर्सी पे मेरा दिमाग चलता है। सो माई पॉइंट इज फेयर इनफ, आपकी कुर्सी पे आपका दिमाग चलता है, कुर्सी बदलो, गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन और वहां दिमाग चलाना शुरू करो। हाँ तो होटल चेक इन करना शुरू करो। मनोज आप करवा रहे हो, किस किस को करवा रहे हो, खड़े हो जरा। कौन कौन जा रहा है इनके साथ, खड़े हो जाओ सब। अश्विनी सर तो बाहर, जिंदल का उनका कैंसिल होने वाला है। अश्विनी जी बाहर ही फोन कॉल कर रहे हैं। वी आर डूइंग फ्राइडे सैटरडे 2 नाइट्स। अश्विनी जी वहां चुपचाप बैठे हुए। हाँ थर्सडे चलो, मैं सनू की आसपास उसके सब लोग कर लो अपना होटल चेक इन। सो गुरुग्राम ग्रुप वी आर डूइंग होटल चेक इन ऑल ऑफ अस टुगेदर फॉर 2 नाइट्स। एक्सीलेंट, सो गुरुग्राम ग्रुप इज डूइंग इट या ऑल टुगेदर। थर्ड डे आफ्टरनून चेकआउट करो ना, थर्ड डे आफ्टरनून अपना चेकआउट कर लो और उसके बाद बाकी ग्रुप कौन कौन से हैं?
हाँ तो ईस्ट दिल्ली कहाँ है, कौन है ईस्ट दिल्ली में? आप अकेले हो ईस्ट दिल्ली में आजकल? वो तो भागते रहते काम से। सर क्या कर रहे हो? पकड़ो, गर्दन पकड़ पकड़ के ले जाओ। आप जा रहे हो? और कौन कौन जा रहा है ईस्ट दिल्ली से? गॉट इट। सो एक सेकेंड, सो वील कम टू ग्रुप मीटिंग। बाकी सब का होटल इस हफ्ते कितने लोग, इस हफ्ते कितने लोग होटल चेक इन कर रहे हैं जरा हाथ? हाँ जी, और बाकी जो लोग हैं? नहीं नहीं, वो आई एम अज्यूमिंग आप लोग, हाँ बाकी जितने लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे 3 जनवरी की बहुत दूर है, अभी क्या तारीख हो रही है? तो इस हफ्ते करके खत्म कर लो, 3 को फिर से कर लेना। अरे इस हफ्ते एक बार कर लो, 3 तारीख को एक और कर लेना। क्या प्रोग्राम कैंसिल कर दो, प्रोग्राम कैंसिल कर दो, फोन कर लेना और फोन पे बात कर लेना जो हुआ है। फैक्ट्री नहीं मरती, फैक्ट्री बंद होगी। अरे प्रोडक्शन प्लानिंग बैठ के बाहर बना के सब कुछ सेट कर लो और फिर जाके उनको देना, और अलाइन करके पीसी बना के पूरा सिस्टम बना के ऑन कर दो। आप जो काम कर रहे हो और जिस तरीके का काम कर रहे हो, ये इस तरीके से तो आप सदियों से काम करते आए हो। इस तरीके से काम करके आपको क्या रिजल्ट मिल गया 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में? इस तरीके से तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा ना जो चाहिए। तो एक नया तरीका इस्तेमाल करके देखो तो सही, और उसको उसके अंदर घुस के वो काम खत्म कर लो। अगर आपका इस हफ्ते का जो भी प्रोग्राम है उसमें से आपने 2 दिन निकाल लिए, तो कौन सा वो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी या कुछ गड़बड़ होगी, क्या होगा? कंपनी बंद होगी क्या? यस नो, यस नो। तो चले जाओ, काम ये निपटा दो ना, फिर मैं सेल्स शुरू करूंगा। आपका यहां पर रोना रहेगा के जी एम आई एस। फिर आपकी MIS की चीजें निकल के आ रही होंगी, क्योंकि मेरे को आप लोग MIS भी आपने खत्म करना है। MIS खत्म करके MIS का डेटा लेके MIS को रोल आउट करना है। हाँ, तो MIS मेरे को रोल्ड आउट चाहिए। जिस दिन आपका MIS रोल आउट हो गया, आपका ऑटो पायलट कंप्लीट होता है। रिजल्ट्स उसके 3 या 4 हफ्ते बाद आएंगे, बट MIS रोल आउट होने पे आपका ऑटो पायलट कंप्लीट होता है, आप ये मान लो। तो जैसे FMS बनाया, FMS रोल आउट हुआ, अब आप FMS रोल आउट पे आ गए, या PMS रोल आउट हो गया। अभी तो बहुत लोगों के FMS रोल आउट नहीं हुआ, PMS रोल आउट नहीं हुआ। चेकलिस्ट तो बहुत बाद की बात है, MIS बनना है, MIS रोल आउट होना है, ये 3 चीजें करनी है। FMS रोल आउट, PMS रोल, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं, दुकान जाऊं कि नहीं जाऊं, सारा डेटा हाथ में है। चलो, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं प्रोग्राम में, कभी ना कभी ये दिमाग में आता है जैसे इन्होंने बोला कि बीच में हिम्मत टूटती है कि यार प्रोग्राम छोड़ूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, पीछे हो रहा हूं, लैग बिहाइंड कर रहा हूं, XYZ। लैग बिहाइंड कर रहे हो तो करना क्या है? लैग बिहाइंड कर रहे हो, यू वॉन्ट टू कैच अप, करना क्या है? होटल चेक इन कर लो। अरे 2 सोल्यूशन है, एक होटल चेक इन कर लो, दूसरा मुझसे आके मिल लो, मुझसे फोन पे बात करते रहो, मुझसे फोन पे बात करते रहो, मुझसे आके मिल लो, मैं ठीक करवाता जाऊंगा। मगर एक बेस बना के कर लो। कुछ somebody was telling me कि मैं आपसे बात कर सकता हूं 15 मिनट के लिए। मैंने कहा हेलो, आपका
आपका हक बनता है, शर्माना बंद करो, फोन करना शुरू करो, बात करो, सॉर्ट आउट करो एंड मूव अहेड. मगर स्टेप नंबर वन इज दैट यू नीड टू चेक इन टू अ डैम होटल. सस्ता महंगा जैसा मर्जी करना है कर लो, पास दूर जैसा मर्जी करना है कर लो. मैंने जो आपको स्पेसिफिकेशन दी हुई है वो आइडियल स्पेसिफिकेशन है. करना है तो वहां कर लो, नहीं करना सस्ते में कर लो, मगर रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा. और कोई तरीका नहीं है रिजल्ट लाने का. और आप अपने दिमाग से रिजल्ट लाना चाहते हो तो ले आओ, फिर मुझे समझा दो कि भाई कैसे होता है. मेरे को भी कोई शौक नहीं है आपको बिना सारा टाइम धक्का मारने का कि होटल चेक इन, होटल चेक इन, होटल चेक इन, होटल चेक इन, क्योंकि मेरे को मालूम है आपकी रेजिस्टेंस आएगी होटल चेक इन से. ऑफिस चेक इन रोज करोगे, टाइम बर्बाद करोगे ऑफिस चेक इन करके. वो नहीं गिनते कि मेरा कितना टाइम बर्बाद हुआ. होटल चेक इन करो, सारे काम वहां से निपटाओ और एक बार देखो तो सही वहां से काम निपटाना का जो साइंस है वो कैसे चलता है. सो दैट यू कैन रन योर ऑफिस रिमोटली सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कभी भी. ये साइंस भी तो ठीक करनी है. ऑफिस को रिमोटली कैसे रन करना है ये भी तो सीख लो. सुबह बैठो, आधा पौना घंटा ऑफिस से बात कर लो सबसे, ठंडक पड़ जाएगी दिल में. शाम को फिर आधा पौना घंटा सबसे बात कर लो, फिर ठंडक पड़ जाएगी दिल में. अब ईए है, डेलीगेशन शीट है, ईए को लगा दो. आज ये चार काम है, तू पीछे पड़ जाओ और ये काम करवा के दे मेरे, उसके सर पे खड़े हो जाओ और ये काम निकालवा के दे. यही करवाते हो आप, और क्या करते हो आप ऑफिस जाके भी. उसके पीछे धक्का मारती जाएगी, वो बोलेगा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, वो कौन कॉल करवा देगी. फोन पे वो बोलेगी अच्छा ये ले सर से बात कर, सॉर्ट आउट कर ले. ये को काम दो ना, क्यों 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो. नहीं मैं खुद फॉलो अप करूंगा, बड़े बड़े झंडे गाड़ लोगे, मेडल मिलेगा खुद फॉलो अप करके. कोई कोई भारत रत्न नहीं मिलने वाला कि आपने फॉलो अप ज्यादा करिए. ये क्यों नहीं फॉलो अप कर सकती. अरे जो काम आप ऑफिस जाके करोगे वो ये क्यों नहीं करवा सकती. अब इतना स्ट्रक्चर तो बन गया, यस नो, यस और नो, तो हटो निकलो, गेट आउट ऑफ योर ओन सक्सेस. ये बदलो, हां अगर 10 में से 4 भूल रही है तो ये बदलो, अगर 10 में से 1 भूल रही है तो चलो ठीक है. हाँ हाँ, दो मैंने आपको शुरू में भी बोला था आपको दो ये चाहिए होंगी. अधिकतर लोगों को जो काम करना शुरू कर देते हैं ये के थ्रू तो उनको दो ये चाहिए होती हैं. एंड दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल मेक इन योर बिजनेस एज फार एज ह्यूमन रिसोर्सेज कंसर्न्ड. पीएमएस और ये तो पीसी का काम है. हाँ तो दो ये रख लो, क्या प्रॉब्लम है, रख लो करो. आप अपना समय बर्बाद मत करो. एंड आई हैव ट्राइड इट नाउ, इफ आई गिव द वर्क टू अ ईए, ये काम इससे करवा दो वो हो जाता है. अगर मैं उसे फॉलो अप करता हूं वो मेरी नहीं सुनता आज की डेट में, नहीं होता. ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है वो जो खड़े होके बोलो इधर, भैया माइक दे दो वापस उन्हीं को. सॉरी सो अभी मेरी आदत गई नहीं है, ये जब काम नहीं होता दिखा तो आई कॉल अप द पर्सन डायरेक्टली एंड ही पिक्स अप माय फोन और बोलेगा हो जाएगा, कभी भी नहीं होता वो. एंड व्हेन आई टेल माय ये काम इसका करा दे, इट हैपेंस द सेम डे. ऐसा होता है, यस नो, यस नो. कौन कहता, ब्रिलियंट ब्रिलियंट. हाँ,
अब उनको भी आदत पड़ गई है, पहले क्या रेजिस्टेंस करते थे। एंड आप लोग ना यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी कि मैं क्यों ये इसके बारे में कर रहा हूं, क्योंकि ना आई यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब आज आपने इनको, नरेश को देखा, वैभव को देखा, और भी लोगों को देखा, कुड यू सी द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दीज गाइज वर सो पीसफुल एंड रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बिजनेस, यस और नो? यस, यू आर नॉट रेडी टू डू दैट। You don't want to be peaceful, relaxed, and confident about your business. You want to be like you are right now, running all over the place, scattered all over the place, under their threat all the time. कि कोई छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा? अरे ये shift कर लो once for all. और अभी समय है, सबसे बढ़िया समय अभी है, मेरी बात मान लो। This is the best time for you to do this. अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेशर क्लाइंट से भी नहीं आया हुआ, यस और नो? क्लाइंट से भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्रेजी प्रेशर नहीं आया हुआ इस समय? इस समय चिल्ड आउट सामान चल रहा है, सीन आराम से चल रहा है तो काम भी ठंडा चल रहा है, समय भी आपके पास है। अगर आप ऑफिस जाना बंद कर दो ना अगले 15 दिन तक तो भी कुछ नहीं होगा। अगर अगले 15 दिन तक आप ऑफिस जाना बंद भी कर दो तो भी कुछ नहीं होगा, फोन से ऑफिस चला सकते हो। सब जाओगे ना छुट्टी बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ छुट्टी जाओगे अभी? यस नो? तब कुछ नहीं होता कि जी मैं 5-6 दिन छुट्टी जा रहा हूं, 12 दिन छुट्टी जा रहा हूं 12 दिन छुट्टी जा रहा हूं, तब कुछ नहीं होता कि तब ऑफिस कैसे चलेगा। तब कोई नहीं पूछता कितने दिन जा रहे हो छुट्टी, 3 दिन कुर्सी लेकर। सो आई एम सेइंग व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर अ वेकेशन देन इट इज नॉट गोइंग टू मैटर एंड योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू कोलैप्स, बट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू डोंट वॉन्ट टू सेट दिस अप बाय गोइंग आउट। मैं क्या कह रहा हूं, हफ्ते में एक बार होटल चेक इन कर लो, ये आपको 3-4 बार करना है बस, 3-4 बार कर लो, आपका पूरा सिस्टम सेट हो गया ये मान लो। एंड नथिंग इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं आपके जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, ये है वो है, अभी सबको कैंसिल कर दो, बोल दो जी आई एम ट्रैवलिंग, मैं बाहर हूं, मैं नहीं मिल सकता आपसे, सॉरी अगले हफ्ते मिल लेंगे, अगले से अगले हफ्ते मिल लेंगे, कोई नहीं मरेगा। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप पूरे हफ्ते बाहर चले जाओ, 2 नाइट जाना है, जाने जा रहे हैं। तो 2 नाइट से पहले और 2 नाइट के बाद इन्वेंट्री ठीक कर लेना, गुड। स्टार्ट, व्हेन विल यू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर ऑफिस ऑन द फोन? गूगल डुओ है, DUO, फेस टाइम है, स्काइप है, व्हाट्सएप पे वीडियो चैट है, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के आपको भेज देगा, फाइल आपके साथ शेयर कर लेगा, बातें उसकी शक्ल देख के कर लेना कोई फर्क पड़ता है तो। क्या मतलब उसको क्या करते हो आपके एम्प्लॉय के साथ? दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू विद हिम ऑन द फोन। पहले वो करो ना, खत्म करो, पहले वाला नहीं हुआ अब एमआईएस, बाकी सारे काम बंद कर दो, मैं कह रहा हूं अगले 15 दिन तक सारे काम बंद कर दो, शेल्फ कर दो। ऐसा सोचो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया और आपको वो ऑर्डर प्रोसेस करना है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो ऑर्डर अगर ऑर्डर आया होता जो जिंदगी बदलता, सारे काम छोड़ के क्लाइंट कैंसिल करके सारी मीटिंग बंद करके जाते नहीं जाते? यस नो? अगर बॉम्बे में बोल दूं चले जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, सारी मीटिंग कैंसिल करके बॉम्बे जाओगे? यस और नो? तो फिर
मगर काम करने के लिए नहीं, पेन ड्राइव दे दो कॉपी करूंगा. सो गाइस वेक अप, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके, सो कैन वी डू दिस प्लीज एवरी वीक हर हफ्ते तीन दिन, टू नाइट्स थ्री डेज, हर हफ्ते ये होटल चेक इन कर लो और ये काम खत्म हो जाएगा आपका सारा, वंस फॉर ऑल. सो कैन वी डू दैट? यस नो? सो कौन कौन जाएगा प्लीज एक बार कमेंट कर लो कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, पक्का जा रहे हैं. ये बाकी सब जितने ढीठ, हाँ ये बाकी जो ढीठ लोग हैं वो लोग क्या करूं उनका मैं? हाँ जी, बाकी सब लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कौन कौन नहीं जा रहा एक बार खड़े हो जाओ. चलो, हेलो, हाँ जी, कौन कौन आप जा रहे हो? कौन कौन नहीं जा रहा बाकी? अरे इतने सारे हाथ उस समय नहीं खड़े हुए थे. इस हफ्ते नहीं जा रहे क्यों? क्या तो क्या प्रॉमिस? बैठो सर. हाँ, मैंने आपको बताया था मैं जा नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता. तो मेरे से अभी वर्कशॉप के बाद एक बार बात कर लेना. हाँ जी, नेक्स्ट वीक सर, नेक्स्ट वीक. फ्रॉम नेक्स्ट वीक? फ्रॉम नेक्स्ट वीक, नॉट नेक्स्ट वीक. फ्रॉम नेक्स्ट वीक एवरी वीक? फ्रॉम नेक्स्ट वीक एवरी वीक, ऑल्टरनेटली एवरी. क्या प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बता दो ना यार. गिव मी अ प्रॉब्लम सो दैट आई कैन सॉल्व इट. इस वीक थोड़ा टाइड अप. इस वीक टाइड अप हो, अगले हफ्ते से हर हफ्ते, हर हफ्ते टाइड अप. अरे अगले हफ्ते से एवरी वीक, बिकॉज यू, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव? क्या बीवी नहीं जाने देती? हाँ, तो हर हफ्ते आप एक क्लाइंट विजिट बना लो. हाँ, ये किस किस्म का क्लाइंट विजिट है? हर हफ्ते क्लाइंट विजिट बना लो. हाँ, सुबह क्लाइंट से मिल लो और उसके बाद होटल चेक इन कर लो. पक्का? हाँ जी, हाँ जी, पक्का. हर हफ्ते, हर हफ्ते, हर हफ्ते, एवरी वीक, एवरी वीक. और अगर नहीं हुआ तो हर हफ्ते, अगर नहीं हुआ तो हर हफ्ते. हाँ जी, बट इससे पहले गए हो? कितनी किया था? हाउ वॉज इट? क्या? ओके, सो नाउ आ गया भाई. हाँ जी, भाग लिया था फोन लेके. हेलो, एवरी वीक होटल चेक इन, शुरुआत तो करी. हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस? खड़े हो जाओ. यू हैवन डन इट. हेलो, हाँ हाँ, तो अभी बिजनेस ट्रेवल्स बंद कर दो. तो इस हफ्ते से, इस हफ्ते तो उसके बाद एवरी वीक. ओके, एवरी वीक. सो थैंक यू. सो ओनली रिजल्ट आई वॉन्ट इज जब तक आपकी MI, देखो आपको FMS, सिट डाउन, थैंक यू. आपको FMS रोल आउट करनी है, PMS रोल आउट करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिसको एप्लीकेबल है वो रोल आउट करना है, और MIS रोल आउट करना है. और जब तक ये MIS रोल आउट तक नहीं पहुंचता, मैं एक बार वापस लिख लेता हूं तो सबका क्लियर हो जाएगा. और एक्शन पॉइंट्स होमवर्क के लिख लेना शिवन्ना, सबको होमवर्क जितना भी है ना, एक तो व्हाट्सएप पे उसका क्लिप बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना. सेकंड, सबको होमवर्क के सारे पॉइंट्स एक बार इकट्ठा करके मेल कर देना. आप लोगों को करना क्या है,
FMS. ये सब रोल आउट करनी है. PMS और MIS, ये तीनों के तीनों मेरे को रोल आउट चाहिए. जिस दिन आपका MIS रोल आउट हो गया ना, उस दिन आपका ऑटो पायलट हो गया. डन है राहुल. शराब क्या करना है वो भी सुन लो. सस्ती सस्ती FMS, PMS, MIS, इसके साथ साथ जिसका IMS एप्लीकेबल है IMS फुल किटिंग. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साइड में भी चलता रहे चलेगा, FMS, PMS, MIS, ये तीनों के तीनों चीजें रोल आउट कर दो बस. और कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे. एंड द रीजन आई एम स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इज बिकॉज आई केयर. आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट थ्रू एंड रीच दिस प्लेस. नहीं तो एक बार बोल के मैं छोड़ दूं कि हां जी मैंने तो बता दिया, आपने किया नहीं. अरे फाइनेंशियल समरी शीट तो हो जाएगी, पहले ये तो कर लो. आप एम्बिशियस औकात के हिसाब से बात करो ना. औकात चवन्नी की नहीं है, 100 रुपए खर्च करोगे, ये कर लो. उसके बाद मेरे साथ बैठ जाना फाइनेंशियल समरी के साथ, जब मर्जी बैठना. अभी ऑटो पायलट के लिए मेरे को यह चाहिए ना. अब ये FMS, सॉरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फुल किटिंग, फाइनेंशियल समरी शीट, ये सारी की सारी बाद में भी कर लेंगे चलेगा. क्वालिटी के सिस्टम्स बाद में लगा देंगे, मेंटेनेंस के सिस्टम्स बाद में लगा देंगे, चेकलिस्ट बाद में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. IMS तो लगाना पड़ेगा फॉर दोस्त जिसके लिए एप्लीकेबल है. ये PMS तो चलेगा नहीं ना IMS के बिना. तो ये तो चाहिए, ये और फुल किटिंग चाहिए ना. हाँ, बट ये और ये इवेंचुअली ये तीन चाहिए रोल्ड आउट. आर वी क्लियर? और जिस दिन आपका MIS रोल आउट हो गया, उस दिन से चिल करो. और जब तक ये नहीं होगा ना, हर हफ्ते होटल चेक इन करने की आप सौगंध खा लो. या तो ये खत्म कर लो, या जब तक ये खत्म नहीं होता होटल चेक इन करते रहो. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार होटल चेक इन करो और सब कुछ खत्म कर दो मेरे लिए या अपने लिए. क्योंकि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट नहीं हो ना, आपका हो रहा है. आपकी जिंदगी भर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं इससे. लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस प्रॉब्लम्स विल, ऑल ऑपरेशनल बिजनेस प्रॉब्लम्स विल वैनिश आफ्टर दिस. एंड दैट्स माय पर्सनल प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. But for that you'll have to do it once. Clear? Not clear? Yes? Yeah? Okay. Second, I want all of you to start manifesting this and get clear about it. And you should know that when you're manifesting it, you should feel how your life would feel. So manifestation, the entire concept of manifestation revolves around feeling the manifestation. Feeling the manifestation. What do you mean by feeling the manifestation? Huh? No. So feeling, believing, nahi. What do you feel after it happens? The emotion that is already present to you. Huh? Feeling, matlab kya hota hai? Huh? So feel, guys. What we need, guys, what you need is to, whenever you are manifesting something, the core of manifestation is around how you feel when that is, you have achieved that. How are you going to feel it? What is your feeling going to be like? The minute you feel it, it sets into motion the whole universe such that it gets it to you and makes it very simple for you. You know, all the things will start falling into place. The resistances will vanish, the obstacles will vanish, you will automatically start doing it. So can we start, one, two things, writing down every day, morning and night.
that I'm grateful to the universe that my business is running on an autopilot. I'm grateful to the universe that my business is running on an autopilot. One. Second, can you start feeling this? How would life be if you don't have to go to office and you can do whatever you want and your entire office is running on its own and you are totally at, completely at peace, full of bliss? As far as your business is concerned, there is no time that you have to invest in it. And it's all running on its own. Matlab sab apne aap chal raha hai, aapko kuch nahi karna. How is that feeling going to be like? So what I want you to do is close your eyes and imagine that feeling, imagine that feeling, imagine that feeling. Let's do it quickly right now. Can you? Yes. Can you close your eyes, everybody? Everybody, sit in a relaxed position. Unfold your arms, unfold your legs. Sit down properly. Yes, everybody. Relax, sit back. Close your eyes. Imagine a time in your life where you were full of joy. A very, 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 very happy moment in your life. How were you feeling then? उसका एक्सपीरियंस क्या था उस मोमेंट का? पूरी खुशियां, एक्सपीरियंस द फीलिंग. रीलिव द मोमेंट. Play it in your mind. And now look at how would life be if your business is on an autopilot. You never have to worry about going to office. You know that everything is happening just the way you want it to. Nobody calls you. You don't have to call anybody to find out anything. You don't have to think about anything happening in the office. And you know that everything is happening perfectly. Just the way you want it. Every time you go to office, your employees are very happy. With the way work is happening. Everybody knows what they are supposed to do. Whenever you meet a client, he is congratulating you on the amazing service your company started delivering. You never lose a client.
every week you have the freedom to do what you want throughout the week. You take Saturday, Sunday off. Every week. Be with your family. You never miss any personal occasion. You regularly go out with your friends. All the things that you wanted to do personally, all the experiences you wanted to experience since you were a child, you have the time to do it all. It could be traveling, golf, painting, music, meditating, reading, movies, anything you want to do. You have all the time in the world. All you have to do is to go to office on Monday, and every time the scores are all green, how would all this experience be? Live this experience. Feel it. And your profits are growing. You have the money and the time. To do anything in life. Slowly open your eyes. So how would this experience be? 96% of their wealth when they die. Average Indian leaves 96% of his wealth when he dies and goes. Kya fayda? Net assets uski jo hoti hai, jo zindagi bhar kamai hoti hai, 96% wo chhod ke jata hai. Agli generation ko jalane ke liye. Matlab agli generation ne jalana hai usko. Aur agli generation ko wo 96% wealth nahi chahiye. Kya chahiye? आपका समय,
अगली जनरेशन को वो पैसा नहीं चाहिए, अगली जनरेशन को आपका समय चाहिए। पहले योर वन जनरेशन बिफोर वन जनरेशन आफ्टर योर स्पाउस, एवरीबडी ओनली वॉन्ट्स योर टाइम, यू ऑल्सो वॉन्ट टाइम एंड यू आर जस्ट स्टक। व्हाई अर्निंग मनी फॉर व्हाट इवन यू डोंट नो। So earn money, there's nothing wrong in earning money. Grow, create a bigger game, there's nothing wrong in all of that. But why are you stressed out with that? And if there is a way in which you can leave and drop all stress, so Friday, half day, Saturday, Sunday, full day, chutti, har hafte bhi kar lo na, bahut hai. Jab ichha hui, bike uthao, Ladakh chale jao, jo karna hai karo. At the drop of a hat, you can do whatever you want. Matlab, you have no idea how this life would feel when there are no boundaries left in your life. Jab jo karna hai na, kar lo. Bina soche. Aaj is dost se milne ki ichha hui, to usko bola chal lunch mein beer shuru karenge aur raat tak beer piyenge. Whatever is your idea of fun, I'm not saying start beer. So my point is, guys, all that you are away from, no, all of this, you are just 3-4 weeks away from this. And I know it. 3 or 4 hafte reh gaye aapko is zindagi ke liye. Is zindagi ke liye 4 hafte reh gaye. 5 hafte kheench ke. और वो 3-4 हफ्ते में भी क्या करना है, हर हफ्ते आप जाके एक बार होटल चेक इन करके वापस आ जाओ, होटल चेक इन करके वापस आ जाओ, होटल चेक इन करके वापस आ जाओ, आपके सारे काम निमट जाएंगे और ये लाइफ रियलिटी बन जाएगी। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको ये जिंदगी अगले 4-5 हफ्ते में दे पाऊं। मेरा काम हो गया, एक काम खत्म हुआ मेरा, ये एक मेरा प्रॉमिस है आप सबको। और उसके बाद वो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, सेल्स डबल योर प्रॉफिट। बट कम से कम ये तो खत्म हुआ, ये तो निमट गया। आज हम सबका सबसे बड़ा चैलेंज लाइफ में ना टाइम है, यस और नो? यस। सबसे बड़ा चैलेंज, किसी चीज का टाइम नहीं है। हाउ डिड इट फील राइट नाउ व्हेन यू फेल्ट दिस? अमेजिंग। क्या एंड इफ दिस वॉज द वे यू आर ऑलवेज, राइट नाउ वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, कंप्लेनिंग, रनिंग पिलर टू पोस्ट ऑल द टाइम। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, और जैसे अगर आप ये रोज फील कर लो ना, ये वाली एक्सरसाइज सोने से पहले रोज कर लो, पहले revisit and feel the time when you were really happy in life. Aise 5, 10, 15, 20 instances identify kar lo jab zindagi mein na bahut khushi mili thi, bahut. Pehle usko dimag mein ghuma lo. To jaise hi wo ghumate ho na, you start rising, your vibrations start rising, you reach a different level. Ya stay, matlab you suddenly become peaceful, happy, calm. Aur uske baad start feeling whatever you want, उसको फील करो। फील जैसे फील किया मैंने, फील करवाया ना आपको, क्या करवाया मैंने? फील करवाया। यू गॉट इट? यस नो? यस। डिड यू फील इट और नो? यस नो? हाँ, फीलिंग आई कि हर सैटरडे संडे आराम कर रहा हूं, कुछ नहीं करने को, फ्राइडे सैटरडे संडे जब मर्जी उठो। आप सबके पास पैसे हैं, पैसे की एक बंदे के पास कमी नहीं है। सोचो आपको जब चाहिए, यहां से फ्लाइट पकड़ी, लंदन चले गए, वीकेंड पे खाना खाया और वापस आ गए। मैं जोक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समय नहीं है। तो वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर लो, सब आ जाएंगे। और पैसे हैं, हमको लगता है इतने नहीं है, एक आधा ट्रिप ऐसा मार आओ।
एक आधा ऐसा ट्रिप मार रहा हूं ये भी खुल जाएगा, एक आधा ट्रिप ऐसा मार रहा हूं ये भी खुल जाएगा। हाँ एंड रतन टाटा वाली, तो वो रतन टाटा ने उसको बोला कि यार गुम हो जाते हैं, तो एक काम कर मार्केट में जाके सबसे महंगा पेन जो तेरे को नजर आता है ना वो उठा के तू अपनी जेब में डालू। सो ही डिड दैट, ही बॉट इट फॉर सम व्हाट आई डोंट नो 50,000 व्हाट। सो वो सबसे महंगा पेन उसकी जेब में था एंड ही नेवर लॉस्ट इट, नेवर, ही नेवर लॉस्ट इट। So it's like we don't care for things then, you know? Yeah. So anyway, what I want is that you get this life. That's all that I'm trying. And because you have no idea what this life experience is like, and how do I know? Because I see all the alumni. Koi kuch kar raha hai, koi kuch kar raha hai, koi kuch kar raha hai, koi kuch kar raha hai. They are all leading crazy lives. मैं बता रहा हूँ, होटल चेक इन कर सकते हो, होटल चेक इन कर सकते हो, हम कंबल कंबल डाल के कुर्सी की प्रॉब्लम, कुर्सी का मामला है। तो आपका जो सवाल है वो सो ये तो स्टोरीज हैं और वो स्टोरीज बना लो जितनी मर्जी बनानी है, तो उसका कोई वो नहीं इलाज। सो आपका जो सवाल है कि हम ये कर पाएंगे, आप ये सवाल मत पूछो, आप ये पूछो कि मैं होटल चेक इन कर पाऊंगा, अगर वो कर पाओगे तो ये डन है। तो बस आपको सवाल का जवाब मिल गया, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। ओके सो कमिंग बैक टू MIS, बस फील इट कि सारा काम हो गया, आप शेयर तो कर ही रहे थे। तो एक बार पहले तो वो फील कर लो, और उससे पहले ये सब चीजें तो खैर कर लेना, पहले आप इस समय जो फोकस एरिया इंपॉर्टेंट है ना वो ऑटो पायलट कर लो। ऑटो पायलट कर लोगे ना फिर ये सब चीजें में फोकस करके कुछ काम करके इसको सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे, कॉन्टैक्ट बन जाएगा, मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो एनीवे गाइस, सो नाउ एज फार एज MIS इज कंसर्न, पिछली बार कितने लोगों ने MIS अब बनाया, क्या बनाया, MIS के रिजल्ट्स लिखना शुरू किए? हाँ नहीं, हाँ यस नो नो, क्यों क्या प्रॉब्लम है, आपने लिखा? डूइंग एवरीथिंग, आई शुड पिक अप फॉर एवरी पर्सन, आई शुड पिक अप मैक्सिमम 3 केयरर्स टू स्टार्ट विद, दैट्स व्हाट माय थॉट। 3 बना लो, चलो ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया, तो 2-3 डिपार्टमेंट्स के लिख दिए, सो अदर्स विल बी डन दिस वीक। एग्जांपल, example for HR, so I said that all the hiring is planned and complete as per the request from the management, all databases are maintained on Google Drive, hiring data, employee data, payroll data, attendance data. और इसका measurement क्या रहे, क्या है पहले का KPI? इसका timely, basically it's a time है, that the hiring is around time. और हायरिंग के टास्क बनते हैं, लाइक यू हैव पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, देन इंटरव्यूज हैपनिंग ऑन टाइम, डेली कॉलिंग हो रही है नहीं हो रही है। नहीं, MIS का क्या KPI क्या है, हाउ विल यू मेजर इट?
percentage? So measurement will be one on time and one on quality, as in is the hiring being done as per the job description or not. And on time? On time. Okay, excellent. So, बाकी सब अभी हम लोग किस चीज में फंसे हुए हैं? PMS, FMS? Yes, no, क्या? हाँ? कि PMS और FMS अभी पूरा नहीं बना है? हाँ? क्या? FMS बन गया? FMS रोल आउट हो गया? So, मैं सबसे पूछ रहा था, जो जो FMS रोल आउट हुए हैं, तो some of you shared कि FMS रोल आउट हो गए हैं. आपने शेयर नहीं किया था FMS रोल आउट हो गया? लास्ट वीक FMS पूरा रोल आउट हो गया, तो अभी उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? आपने शेयर किया था अभी? क्या रिजल्ट क्या आ रहे हैं? और ज्यादा बढ़ गई, मतलब स्टाफ को अब कोई मौका ही नहीं मिलता है कि डिले करने का, वो क्योंकि पीसी उनके पीछे होती है हर एक क्वेश्चन पूछने के लिए, ये हो गया नहीं हुआ तो करो इसको, तो दे आर गेटिंग देयर वर्क डन. तो अब वो अपने आप चल रहा है? अपने आप चल रहा है, अभी किसी सीनियर की जरूरत नहीं है, है ही नहीं, और प्रॉपर हो रहे हैं, बल्कि QC भी लग गई हमारी एक तरीके से, कि जो हम चेक करते थे कि ये वेट प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ, वो सारा काम पहले स्टाफ कर लेता है, तभी वो अपलोड होती है शीट, उससे पहले होती नहीं, चेकलिस्ट में डाल दिया उसको भी. ओके, वो चेकलिस्ट में आ गई सारी. ओके, सो बाकी सब किस किस ने FMS PMS रोल आउट किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? सॉरी, किस चीज की? क्या क्या क्या? सो स्टाफ कह रहे हैं कि बेसिकली बार बार फोन करते हैं, परेशान करते हैं, तो हम काम कब करें? फोन पे फोन. तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कर दो ना. हाँ, बट लाइक जो ऊपर एडमिन स्टाफ है ऑफिस का, उसको तो PC फोन कर लेती है, उसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए नहीं. और जो फैक्ट्री स्टाफ है अभी वो धीरे धीरे लाइन हो रहा है. सो गाइस अंडरस्टैंड दिस, प्रतीक आपने बोला था ना कि अब वो बोलते हैं कि जी डेलीगेशन शीट में डाल दो. यस yes. अब जब शुरू में डेलीगेशन शीट आई थी तो क्या बोलते थे? ये क्या जी, ये क्या आपने और सरदर्दी लगा दी, ये बोला था? यस नो, यस और नो? वॉज देयर रेजिस्टेंस टू डेलीगेशन शीट? यस नो, यस नो. अब डेलीगेशन शीट में कोई रेजिस्टेंस है? Yes or no? Right? So like when we implemented delegation sheet, there was huge resistance to delegation sheet. Now there is no resistance to delegation sheet. ऐसा ही जब आप MIS roll out करोगे या FMS roll out करोगे, शुरू में resistance आएगी और बाद में they are going to love it. They are really, 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 really going to love it. In fact, आपका attrition ratio कम करने के लिए ये जो आप पूरी शीट्स और सिस्टम्स रोल आउट करोगे, दे विल प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज इतना ऑर्गेनाइज और अच्छा काम करने का तरीका उनको कहीं नहीं मिलेगा. सो दे आर गोइंग टू लव व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद देम. आई जस्ट टोल्ड देम कि अपने रफ पैड बंद कर दो, इसमें डेटा डालना शुरू कर दो, तुम्हें कॉपी चाहिए कॉपी रख लो. तो दैट मेड देम लाइक अ लॉट कंफर्टेबल टू डूइंग. फेयर एनफ, तो दोस थिंग्स विल कम आउट. यस प्रतीक, यू सेइंग? FMS के अंदर भी ऐसा था कि मैं भूल गया क्या बोलना था. सो आप याद करो बाकी जो. सो ये सुना है क्या बोला? बोलो माइक इधर 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 इनको. When we rolled out FMS, two of our sales coordinators given their resignations after 1 week of rollout because too much of follow-up and accountability setting in. And then we did not give in. We immediately said, "Ki your choice." वो coordinator पहले के हैं? हाँ, पहले के हैं, दोनों पहले के हैं.
and they were the senior of both the departments. And we explained to them, we tried to align them. And after that also, when they said we want to resign, we said, okay, your choice. Next day, both of them said, sorry sir, we want to continue. Sorry sir, करके वापस करने के क्या reason बताया? No, we understand that this is good for the organization and it was our mistake. We want to continue. So, what were they trying to do? What were they trying to do? They were just trying to push you and test. वो क्या जो सेल्स कोऑर्डिनेटर थी शी वाज ड्राइंग मोर पहले अब वो पीसी लगाई 12,000 की उसके पीछे हमने 15,000 तो उसको जब वो सारा कुछ पीसी फॉलो कर रही थी तो और काम उसको बढ़िया तरीके से करने लगी बिकॉज शी कैन शी कुड एंटीसिपेट कि ये काम तो 12,000 वाली भी कर सकती है सो शी हर शी बिकम मोर लॉयल ओके हर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वेंट हां वो तो और ज्यादा लॉयल हो गई बल्कि वो ओके वो क्वेश्चन प्लस थ्री आंसर्स तो अभी इससे पहले तो इससे आपके टाइम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर अब मुझसे कुछ भी अगर उन्हें पूछना होता है तो मतलब आई हैव आंसर टू एवरीथिंग और अब आधी चीज़ें तो मेरे पास आनी बंद हो गई है बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ भी पूछेंगे तो यही आंसर आने वाला है सी द फ्लो चार्ट तो पहले फ्लो चार्ट देख लो और फिर अगर उसमें नहीं है तो जाओ राइट और फ्लो चार्ट बहुत डायनामिक है मेरे मतलब वो बहुत चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर बट आई एम एज्यूमिंग कि वो सिर्फ और एडिशनल 15-20 दिन महीना भर होंगे उसके बाद आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड यस इट विल देन स्टेबलाइज यस इधर हाँ कहते क्योंकि मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं था तो अगर मैं बिना सोल्यूशन किया था तो क्या करता उसका मैं बट इट केम वेरी लेट बाय द टाइम द प्रॉब्लम अकर्ड एंड तो उसका कैसे हाउ डू वी से दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन एट ऑल कुछ नहीं हो रहा राइट एनी फनी सोल्यूशन एंड गेट इट ना बट गेट इट टू राइट अ स्टूपिड सोल्यूशन डोंट गेट द राइट सोल्यूशन टू मी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द राइट सोल्यूशन आई विल गिव यू द राइट सोल्यूशन they are looking for perfection, not progress. उनको भी ऐसा लगता है कि मैं perfect solution लिख के जाऊँ उनको perfect नहीं चाहिए तो जैसा मर्जी लिख दे कोई problem नहीं है Somewhere I told them that you don't need to be perfect. Even if you fail, it's fine. But problem क्या होता है वो कहीं पे ना एक पता नहीं एक तो वो डर बैठा हुआ है कि इसके बिना गए तो पता नहीं क्या होगा हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं है we've not done anything, but they have that fear in the mind. How do we get out of that? उसको बोलो फिर अगर ऐसा कभी chronic होता तो सिर्फ question लिख के ले आओ मैं answer दे दूँगा. Because अब क्या है कि अब they have settled into the system. शुरू में हमने क्या बोला था उसको कि भाई बिना answer के मत लाइयो क्योंकि वो system बदलना था. Now they are settled. अब वो सिर्फ question लिख के भी लाएगा ना तो it will still be a valid thing. Yes. I would like to do a small sharing. Like last week, we have had our school's annual day functions. Until a few years back, we used to have one function, 300 students on the stage, 4 hours. Jisme speeches hote the, lot of things. So this time we analyzed, we had more than 2,400 students participating. That would mean 8 days in a row, and you can imagine. I mean, it was a Herculean task. So what we did is, we applied this concept of full kitting. Whatever needed to be done, we did a small PMS kind of thing. Whatever needed to be done was put down on an Excel, and then who is supposed to be doing it, when and how, all things were put down. And we were able to do this in 3 days flat. Instead of 8 days, 3 days flat. Bachcho ka 4 to 6, 2 ghante mein, instead of 300 students coming for 4 hours on the stage, it was like 300 students, more than that, 350 coming for only 2 hours. So in a single day, we were able to handle 700 students. And it was like to the time, 4 o'clock means 4 o'clock. GPS nahi aaya, koi dikkat nahi. Lighting on the lamp, hum nahi kiya. We didn't deviate from the time. And we were like, at the end of the day, we felt like, abhi bhi koi tension nahi hai. Why? Because everything was
planned. And we were like, when we were watching the function, until last year, hamesha ek tension hota tha, wo cheez apni jagah pe hai ya nahi, iska parking ka kya hoga, iska kya hoga. This time we were like completely at ease. So we handled 2400 students in 3 days flat. Awesome. But it needed a lot of planning. And execution was smooth. So this was something full kitting, something of PMS. Brilliant. Excellent. Okay, just before I move on in the MIS, one thing I wanted support from all of you. Aapke bahut sare log honge, so somebody was sharing with me in the break. You will have, your friends, etc., 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 in the new batch. Yes, no? Yes. You have new friends in your new batch? Yes. Yes? Okay, so for all of you who have friends or relatives, etc., in the new batch, can you just give them a call? No, whenever. Aajkal, parso, tarso. Unko ek bar phone kar lena. Kyunki abhi maine unke saath, so somebody was sharing ke, a friend of mine was in the new batch and he just called me up and he said ke, yaar, ye kya ho raha hai? Unhone bol diya ke, out of office rehna hai. To ye office se bahar kaise rahenge? Office ke baad kaise rahenge? Haan? Okay. So they may require some support from you. Aap ek bar bol doge na, to phir वो मतलब दे विल जस्ट बी अ लिटिल श्योर अबाउट इट मोर कंफर्टेबल अबाउट इट एंड देन दे विल स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज आई हैव सेड 8 o'clock एग्जीक्यूटिव ईए हाँ कल जो बैच चालू हुआ है ईए 8 AM आउट ऑफ ऑफिस और स्केड्यूलिंग अभी शुरू नहीं की है और क्या किया है और गूगल ड्राइव अभी नहीं शुरू करवाया अभी टू डू लिस्ट सो बाकी सब तो ठीक है उसको 8 AM और आउट ऑफ ऑफिस और ईए ये तीन चीजें आप अगर उनको एक बार वापस समझा दोगे कि आप सब कर रहे हो और आपका पूरा बैच कर रहा है और उसमें क्या फायदा हो रहा है कैसे हो रहा है सो दैट विल रियली मेक एन मतलब दैट गाइज जर्नी विल बिकम इजियर अदरवाइज वो रेजिस्ट ही करता रह जाएगा और वो रेजिस्ट करता रह जाएगा उसको कोई फायदा तो होने नहीं वाला बिकॉज यू नो हाउ दिस इज गोइंग टू गो पहले वो रेजिस्ट करेगा फिर वो बुद्धि लगाएगा ठीक है फिर वो उसके बाद इवेंचुअली 1-2-3 हफ्ते बाद करेगा करेगा तो करेगा करेगा तो सही यस नो जैसे आपने किया जैसे अभी भी आप ऐसे ही कर रहे हो होटल चेक इन FMS PMS MIS ये आप भी यही कर रहे हो कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है जैसे नरेश आता है नरेश कहते हैं जी 4 AM कर लो उस समय आउट ऑफ ऑफिस नहीं मतलब आउट ऑफ अब अगला बैच आएगा उससे अगर आप बात करोगे जब वो उस समय मैं चिल्ला रहा हूँ उनके भाई होटल चेक इन कर लो तब उनकी बुद्धि में भी नहीं घुस रहा होगा तब आप ऑटो पायलट पे होंगे आपने होटल चेक इन कर लिया होगा उसके रिजल्ट्स मिल गए होंगे आपका कॉन्फिडेंस वेरी स्ट्रांग होगा तब आप उसको बोलोगे अरे होटल चेक इन कर ले यही तरीका है मैंने भी बाद में मतलब मैं शुरू में सुना नहीं फिर बाद में सुना और जब सुना तो मेरा काम हो गया राइट करोगे आप यही और कुछ नहीं करोगे करना आप सबने यही है बट पहले अपनी बुद्धि लगाओगे सब करोगे फिर करोगे तो अभी उनकी हेल्प कर दो कि वो बुद्धि कम लगाएं और वो काम कर लें ताकि उनको रिजल्ट्स आ जाएं ओके ओके सो लास्ट टाइम वी डिस्कस दिस यस सो MIS में करना क्या है कि राइट ये MIS का फाइनल फॉर्मेट है ये मैं अभी समझाता हूं आपको अब इसमें आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया था नहीं आया अभी इसमें कोई क्वेश्चंस हैं एनी डाउट्स ऑन दिस में अगर सपोज 10 टास्क है या 20 आइटम्स है उसको फीड किया अब उसमें टाइम का क्या फर्क पड़ने वाला है वो कितने टाइम में कर रहा है छोड़ दो कोई जरूरत नहीं कॉस्ट कोई इफेक्टिव नहीं है उसके अंदर कोई छोड़ दो नहीं पड़ता क्वालिटी में भी क्या उसमें क्वालिटी आ सकती है ये भी नहीं समझ में कितने गलत किए गलत होते ही नहीं तो फिर छोड़ दो और क्वांटिटी जितने पीसेस हैं बस वही एंट्री होगी तो बस वो लिख दो कि एज पर नंबर ऑफ पीसेस तो उसमें फिर वो MIS में उसकी मेजरेबिलिटी कैसी होगी कि इसकी क्या हम टास्क अप डाउन या कुछ भी कैसे होगा वो क्यों कितने पीसेस का उसने करना था कितने पीसेस का किया परसेंटेज वर्क डन तो मतलब वो तो 100% ही हो गया ना एक तरह हर बार हाँ लिख लो देख लो हर बार हो रहा है तो उसके बाद उसको कैंसिल कर देना तो उसमें स्कोरिंग कैसे होगी फिर किसकी जैसे उस बंदे की स्कोरिंग जो होती है तो उसको 100% स्कोर मिल जाएगा उस पर अगर हर बार सारा काम सही कर रहा है
तो उसको 100% स्कोर ही मिल जाएगा एंड में। और एक ये टास्क में उसको 100% हो गया, अगर सपोज दूसरा कोई और टास्क उसके पास में आ रहा है तो वो उसमें मतलब वो एक ही बंदे के अलग अलग लेवल्स के स्कोर हो गए। हाँ तो उसमें एक ये सो होगा क्या कि एक में उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल 100% स्कोर मिला, दूसरे में उसको 70 मिला, एक में उसको 80 मिला, एक में उसको 60 मिला, तो इस सब का एवरेज कितना हो गया? ठीक है, तो 80 स्कोर मिल गया उसको। ठीक है, अब जैसे यही लड़का मेरा अकाउंट्स का भी काम करता है लेकिन वो एंट्री इस टाइम पे कर रहा नहीं कर रहा, मतलब चांद तारे नहीं लगे होंगे। आप बोलोगे ऑटो पायलट तो हो गया, अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब नॉर्मल मतलब रोजमर्रा का काम है टाइप्स। आपको अब प्लांट में चाहिए क्या, आपको अपने ऑपरेशंस में क्या चाहिए? अगर ये ऑपरेशंस में ये सब चार चीजें और हो जाए तो मजा आ जाए। कॉस्ट उसको बोलो हर महीने मेरे को कॉस्ट तू 5% कम करके दे दे, हर चीज की टाइम मोशन स्टडीज करवा के उसको मैं कैसे रिड्यूस करूं, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करूं, ये करवा दे। अगले 3 महीने का तेरा ये प्रोजेक्ट है, 3 महीने में फिगर आउट करेंगे उसको अगला क्या देना है। कोई कंपल्शन नहीं, इट मे बी वन ऑल्सो इनफ। सो गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, एज फार एज दिस इज कंसर्न यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। आपको जो समझ में आ रहा है ना लिख दो आंख बंद करके और बाकी चीजें छोड़ दो, अटको मत। अगर एक आदमी का एक ही समझ में आ रहा है ना तो बस एक लिख के छोड़ दो एंड अज्यूम के ये हो गया। ये शीट कैसे बनेगी मैं बताता जा रहा हूं कि जब आपने एक आदमी का आप सपोज आपको एक बंदे का सिर्फ एक ही रिजल्ट समझ में आया और कुछ नहीं समझ में आया तो एक रिजल्ट लिख के छोड़ दो और उसका मेजरमेंट पैरामीटर लिख दो। मगर आपको एक बात ही समझना है, इसमें आपको लिखना है कि इस आदमी से रिजल्ट क्या चाहिए। ये लोगों को नहीं समझ में आता, लोग ये क्लियरली नहीं लिखते कि रिजल्ट क्या चाहिए। व्हाट इज द रिजल्ट यू वांट फ्रॉम दिस गाय, एनी वन रिजल्ट दैट यू वांट। रिजल्ट लिखते हैं उसका मेजरमेंट कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी चेकलिस्ट होती है, कोई नंबर होता है, कभी कुछ होता है। ओके, सो चेकलिस्ट का एमआईएस कैसे बनाए? यस, सो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी चेकलिस्ट कंप्लीट है कि नहीं, कितने टास्क मिसिंग है। यस सॉरी, तो वो तो एडअप होते जाएंगे। तो मेरे को तो ये चाहिए कि हमको रिजल्ट क्या। सो नाउ लुक एट द साइंस बिहाइंड दिस, साइंस इज व्हाट डू यू वांट एज अ रिजल्ट फ्रॉम हिम, चेकलिस्ट शुड बी। सो सबसे पहले तो चेकलिस्ट शुड बी कंप्लीट आ गया, तो पहले कंप्लीट आया, कंप्लीट की मेजरेबिलिटी क्या है, परसेंटेज चेक्स नॉट डन, पहली बात। दूसरा रिजल्ट क्या चाहिए, ये दैट ऑल द एक्टिविटीज शुड बी डन ऑन टाइम। उसके पास ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में उसके 10 एक्टिविटी हैं, ठीक है, ये 10 एक्टिविटी में प्लान्ड और एक्चुअल है। यस yes? तो कुछ चीजें यहां प्लान्ड एक्चुअल सही डेट पे हैं, कुछ लेट है, कुछ उसने करी नहीं अभी तक इस हफ्ते वाली, ऐसे ही आएगा राइट तो सारी हो जाएं, वो तो शुरू में कर लिया हमने फर्स्ट, उसमें ऑल एक्टिविटीज डन राइट। सो ऑल एक्टिविटीज डन ऑन टाइम, इसका मेजरेबिलिटी क्या होगा, परसेंटेज एक्टिविटीज डन लेट राइट। उसके बाद एक चीज और करनी पड़ेगी हमारे को कि ये वापस इसको वापस वर्बलाइज करना पड़ेगा कि हमारे को ये देखना पड़ेगा परसेंटेज डिले इन एक्टिविटीज। लेट्स से एक काम उसको करना था पहली तारीख को, उसने किया 3 तारीख को, एक काम करना था उसको 4 तारीख को, उसने किया 5 तारीख को, तो यहां पर तो उसने डिले किया 2 दिन का, यहां पर उसने डिले किया 1 दिन का,
तो ये दो दिन का परसेंटेज क्या है और एक दिन का परसेंटेज क्या है? ये 200% है और ये 25% है। ये डेट है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको ओके फाइन, सो फिर ये ऐसे नहीं आएगा ना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा कि बेंचमार्क इसको लगा दो वन डे, हर चीज का वन डे लगा दिया बेंचमार्क। कहीं से भी डेटा ले लो, करेक्ट। हाँ करेक्ट। तो बंदा ए, बंदा बी, बंदा सी, इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं। MIS डेटा फीड इन करेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी एनालिसिस करके इसमें से डेटा सक आउट जो करेगा और MIS बनाएगा, वो MIS का लड़का है, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी या कम से कम फॉर्मूले लगा के डेटा सक आउट करना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस करके डेटा बाहर निकालना पड़ेगा, वो MIS का लड़का ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। एक सेकेंड, करेक्ट, गॉट इट, समझ में आया क्या बोला है? नहीं समझ में आया, खड़े बोलो समझाओ। हाँ, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का क्या स्कोर आएगा? -50% और अगर 10 मिनट उसका टर्न अराउंड टाइम था और उसने 3 घंटे लेट कर दिया, क्या स्कोर आएगा? 300% नहीं, 3 घंटे लेट हो गया ना? 3 घंटे मतलब कितने मिनट, कितना हुआ? 1800% लेट आएगा, तो उसका स्कोर आएगा -1800%। डू यू अंडरस्टैंड? गुड, एक्सेलेंट क्वेश्चन। सो फाइनल कॉम्प्यूटेशन कैसे करना, तो फाइनल कॉम्प्यूटेशन इसमें आएगा, ये ए है तो इसका ये सारे पैरामीटर आ गए, यस, ये सारे पैरामीटर पे स्कोर आएगा कुछ, तो इसका आया -200%, -100%, -10%, -5%, डब 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 डब, यस यस नो। तो सबसे पहले तो आप इससे हर स्कोर पे इंडिविजुअली पूछोगे, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन एवरेज कुछ नहीं करना फॉर दैट वीक, ओके? इसको हर पैरामीटर को इंडिविजुअली लेना है, आर वी क्लियर? मैं अभी पूछवा, ये खत्म कर लेता हूं, अभी शुरू किया है। तो इसको होगा कैसे ये बता देता हूं, ये देखो, पर्सन ए पर्सन बी, ये समझ लो, अभी समझना शुरू कर लो। पर्सन ए, इसके ये 4 व्हाटएवर केआरएस होंगे, ये मैंने जो लिखा ऐसे ही है, बट ये एक्चुअली ये वाली कॉलम आएगी, वहां केआरए ये वाली कॉलम है, ये वाली कॉलम यहां आएगी, ये केआरए आ गया, केपीआई आ गया, परसेंटेज मेजरमेंट जो लिखते हैं हम, कुछ पैरामीटर्स पे बेंचमार्क होंगे, कुछ पैरामीटर्स पे बेंचमार्क, कुछ बेंचमार्क होंगे, टैट्स होंगे, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 डे, 5 डेज, 10 डेज, 5 kgs, 2 kgs, 1 meter, 2 ton, यस। केपीआई वो हो गया ना, ये वाला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हाउ टू डू मेजरमेंट, मेजरेबिलिटी। तो ये बेंचमार्क आ गया, अब बेंचमार्क के आगे ये सब तो खैर महीने महीने के स्कोर आ गए, अब इसके बाद आएगा लेट्स से फॉर एग्जांपल सितंबर, ये प्लैंड स्कोर, एक्चुअल स्कोर, प्लैंड स्कोर, एक्चुअल स्कोर, प्लैंड स्कोर, एक्चुअल स्कोर, प्लैंड स्कोर, एक्चुअल स्कोर। अब हमने करना कैसे है, तो ये समझ लो, इसमें ये आएगा कि
ये एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होगा. इसका कॉन्सेप्ट वैसे ही होगा जैसे डेलीगेशन शीट का था, सेम साइंस. कोई साइंस नहीं बदलेगी, मगर हम लोग परसेंटेज स्कोर्स में लेंगे इसको. लेट्स से वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर. हर हफ्ते आएगा प्लैंड एक्चुअल स्कोर. ये आपका MIS का वो है ओवरऑल साइंस. तो ये बंदा है ए. अब इसके आपने बोला ये रिजल्ट्स चाहिए और ये इसका KPI है. KPI मतलब परसेंटेज नॉट ऑन टाइम, परसेंटेज लेट, परसेंटेज नॉट डन, परसेंटेज डक 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 ऐसे आता है. हाँ, अब इसका पहला जो पैरामीटर था, पहली बार जो आता है वो एक्चुअल आता है, लेट्स से -50%. आप इससे पूछते हो कि ठीक है बेटा, आपका इस हफ्ते का स्कोर -50% था, आप मुझे ये बता दो अगले हफ्ते का स्कोर क्या होगा. क्या बोलेगा? सर मैं ये ना -30% कर दूंगा. यस. अब इसका सारे हफ्ते, एक बार इसका सिस्टम चालू हो गया तो, सो लेट मी टेल यू, सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस गाय, अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दिस गाय. सो अब इसने बोला है -30. पहले हफ्ते लाला को ये सीरियसली हो सकता है ले, हो सकता है तो अगले हफ्ते वापस ये आएगा और आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्चुअल स्कोर आए -40%. यस. तो आप इसको बैठाओगे और बोलोगे आपने बोला -30% आपने पिछली बार बोला था, मगर आपका स्कोर कितना है? -40%. चलो ठीक है, चलो अगले हफ्ते क्या करोगे? वो बोलेगा सर ये ना मैं -30% कर ही दूंगा. अभी -30% जब बोल के गया, अब सारे हफ्ते इसका क्या फोकस रहेगा? -30 लाकर लेकर आना है, क्योंकि लाला को मंडे को मिलना है. यस नो? यस और नो? तो सारे हफ्ते ये -30 का कैलकुलेशन अपना करके रखेगा. इससे पहले ये MIS समझ लेगा. किससे समझेगा MIS? MIS बनेगा, लिख लो सबके सब. जैसे ही MIS बनेगा, MIS रोल आउट करोगे जब, तो एक अलाइनमेंट मीटिंग लोगे जिसमें एक बार आप हर बंदे के साथ बैठोगे या जितने सुपरवाइजर्स हैं उनको इकट्ठा करके बैठ जाओ, क्वालिटी वालों को इकट्ठा करके बैठो, एक एक टाइप ऑफ लोग अकाउंट्स वाले लोगों को इकट्ठा करके बैठो और उनको समझाओ कि ये MIS है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होने वाली है आज के बाद. अंडरस्टूड? तो एक छोटी सी वर्कशॉप लेनी पड़ेगी सबको बिठाकर, अलग अलग टाइप ऑफ लोगों को, ताकि उनकी आप स्कोरिंग उनको सिखा दो, समझा दो. तो मोटा मोटा स्कोरिंग आप बता देना, उसके बाद आप MIS के लड़के को बोलो कि इनसे बात करके इनको डिटेल में स्कोरिंग समझा दो कि स्कोरिंग निकली कैसे. मेक सेंस? यस नो? यस नो? सो यू विल मेक एंड यू विल क्रिएट अ स्मॉल मीटिंग. लंबी मीटिंग नहीं है, बट इनको समझा देना, क्योंकि पहली बार ये चीखता हुआ आएगा, उससे अच्छा इसको समझ में आ जाए. और आपकी केबिन में एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अंदर घुसेगा, उससे पहले इसके सारे स्कोरों की जो ऐसी वाली लिस्ट है, इसको कौन दे देगा? ईए. इच्छा है? नो प्रॉब्लम.
एक सेकेंड हम लोग रीजन में नहीं जा रहे, पहली बात इस मीटिंग में, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा है कि अगले हफ्ते क्या स्कोर होगा, तो आप बताओ अगले हफ्ते आप क्या स्कोर करोगे। आप बोल दो -100%, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। तो आपने बताया -30%, -40 आया, -40 के बाद आपने -30 बोला और फिर एक्चुअली -30% आ गया। अब जब आपका -30 आ जाएगा तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि इस हफ्ते -30% था, अगले हफ्ते क्या करोगे, तो क्या संभावना है, क्या बोलेगा? बोलेगा -20, -10, कुछ तो बोलेगा, स्कोर ठीक करूंगा, यस नो? तो ऐसे करते करते ये गायब होने लग जाएंगे स्कोर्स उसके। एक सेकंड करो फिर बोलना, ठीक है, छोड़ दो। इस डेलीगेशन शीट आपने ऑन की थी, शुरू में सब चीख चिल्ला के कर गए, उसके बाद सब सेटल हो गया, यस नो? यस नो? ऐसे ये सब सेटल हो जाएगा। आप अपनी इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव में रखो, ठीक है। सारे उल्टे ही एग्जांपल निकाल के दोगे। आपको एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, आप जो ऑपरेट कर रहे हो जिस पैराडाइम से, वो आपकी पुरानी दुनिया थी, उस दुनिया के रूल्स इस दुनिया में नहीं लगते, तो आपके सारे सवाल उस दुनिया के आ रहे हैं, उस दुनिया का कोई भी रूल इस दुनिया में नहीं लगेगा, और जब लगेगा जिस दिन, उस दिन मुझसे पूछ लेना, मगर पहले रोल आउट करो, ओके? जब आप रोल आउट करोगे आपका एक्सपीरियंस होगा कि ये नहीं हो रहा, ये सब आपकी आज ये सवाल क्यों है, क्योंकि इससे पहले कभी आपने ये सब किया ही नहीं, ये साइंस ने इस्तेमाल की, ये टेक्नोलॉजी ने इस्तेमाल की, आप लालागिरी कर रहे थे, लालागिरी में तो यही होगा जो आप बोल रहे हो। तो अब हम लालागिरी नहीं कर रहे, अब हम एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं और उससे आपको वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स मिलेंगे। सो होगा क्या कि आप इससे पूछोगे कि भाई ऑन टाइम तेरा -50% है, अगले हफ्ते कितना होगा, क्वालिटी तेरी -40% है, अगले हफ्ते कितनी होगी, ये 30% है, कितना होगा, 20 कितना, 100 कितना, 200 कितना, ये सबका स्कोर बता के चला जाएगा। अगले हफ्ते वापस उसके स्कोर्स एक्चुअल में आएंगे, फिर आप बोलोगे कितना प्लान करके बता दे, फिर वो एक्चुअल में होके आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नो, एवरी MIS इज वीकली, एवरीथिंग इज लाइक दिस, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और फिर टोटल कर लो। हाँ, टिल वीक 4, जैसे अगस्त लिखा है तो अगस्त का एक स्कोर आ गया ना, ये वाला इस पैरामीटर का अगस्त का स्कोर, फिर ये सितंबर टोटल बन जाएगा, तो ये कंप्रेस होके मंथली हो जाएगा। सॉरी, परसेंटेज, ओनली परसेंटेज, यस यस, मंथली टोटल विल बी एवरेज ऑफ 4 वीक्स, सिंपल एवरेज, ऑल एवरेजेस विल बी सिंपल एवरेज, नेवर वेटेड एवरेज। और हमको क्या करना है, हमको उसको ये मत करना कोशिश कि इंटेलिजेंशिया में ये मत करना कि ये सारा का सारा टोटल कर लो और बोलो तुम्हारा इस हफ्ते का स्कोर -30% है पर टास्क, क्योंकि जैसे ही आपने ये कर दिया क्या प्रॉब्लम आएगी, इंडिविजुअल फोकस खत्म हो जाएगा, वो इस आइटम पे फोकस करना बंद कर देगा, इस पे बंद कर देगा, वो बोलेगा माइनस कुछ तो चलेगा ही, क्या फर्क पड़ता है। हम बहुत ही एक 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 पे बात कर रहे हैं, एक 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 पे उसका कंट्रोल है और वो ठीक कर देगा। कितना समय लगेगा उसको ठीक करने में, 1 महीना, 1 महीना आप उसको समय दोगे ये स्कोर्स ठीक करने में, क्लियर?
क्लियर नॉट क्लियर? यस। एक महीने से पहले अगर वो स्कोर ठीक करता है तो ही इज अ अमेजिंग गाय, बट एक महीना लगता है एवरेज स्कोर्स ठीक करने में। क्लियर नॉट क्लियर? यस। दो महीने बाद अगर ये स्कोर्स ठीक ना हो तो उसके दो कारण होंगे, लिख लो। अगर ये स्कोर्स ठीक नहीं होते, देर आर ओनली टू रीजंस व्हाई दिस स्कोर्स डोंट गेट ओके। द फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज अ सिस्टम एरर। रीजन नंबर वन इज दैट इट इज अ सिस्टम एरर। इन 80% ऑफ द केसेस इट इज अ सिस्टम एरर व्हेन द स्कोर्स डोंट गेट ओके। If the scores are not getting okay, it is because it's a system error in 80% of the cases. In 20% of the cases, it is because there is something wrong in the guy. Us aadmi mein kuch gadbad hai. No, the guy jiski MIS le rahe, matlab jiski, the guy who's the doer or the supervisor or the team leader or whoever. This highly unlikely ki usme koi gadbad hai. Highly unlikely. So before you declare ke tu aadmi galat hai, you check the system. System of this benchmarking. System matlab aapke flowchart mein gadbad hai, aapke jis tarike se aapne PMS kar rakha hai, usme aisa hua hai ki ye apni jaan bhi laga de to bhi ye score theek nahi kar sakta. Matlab aapke over expectation. Nahi, over expectation nahi, wahan system mein kuch gadbad hai. Wahan jao aur us system ko study karo. जहां पर वो काम कर रहा है उसको देखो, एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका गलत होगा या कुछ वहां पर, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मल्टीटास्किंग लाइक क्या कर रहा है? नहीं तो एक ही आदमी परचेज और मशीन हैंडलिंग और स्टोर कर रहा है, नहीं इंस्टॉलेशन एंड परचेज कर रहा है, तो मशीन इंस्टॉलेशन मतलब न्यू मशीन्स। हाँ तो वो जब वो न्यू मशीन्स इंस्टॉलेशन में कर रहा है सपोर्ट, तो वो टेक्निकल आदमी है। तो टेक्निकल, अब हमारे पास बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं, उसको काम हटा दो, उसको बोल तू परचेज कर, और परचेज वाले को वैसे भी सिर्फ नेगोशिएशन करना है, उसके बाद तो कुछ करना है नहीं, बाकी सारा काम हमने असिस्टेंट को दे दिया, तो इसका वैसे भी परचेजिंग का भी काम खत्म हो गया है, मशीन इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो गया। तो वो आप जब रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे और कहीं मल्टीटास्किंग देखोगे, सडनली यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मैन पावर विच इज गोइंग टू गेट फ्री नाउ। नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, जहां तक हो सके कम कर दो। और अब आपके पास मैन पावर रिलीज हो गई है, तो मल्टीटास्किंग कम करते जाओ, पहली बात। दूसरी बात, बिना खर्चा बढ़ाए मल्टीटास्किंग कम करो। मल्टीटास्किंग कम कर दो या बंद कर दो, और बिना खर्चा बढ़ाए मल्टीटास्किंग बंद करो। अगर आप खर्चा बढ़ा के मल्टीटास्किंग कर रहे हो, सिर्फ एक वैलिड खर्चा है जिसको आप जितना मर्जी बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, बिना सोचे समझे बढ़ा लेना, और वो है असिस्टेंट और पीसी का। जो खर्चा आप आंख बंद करके बढ़ा सकते हो वो है असिस्टेंट का और पीसी का। असिस्टेंट का खर्चा आपको जितना मर्जी बढ़ाना है, जितने मर्जी असिस्टेंट लगाने लगाते जाओ, जितने मर्जी पीसी लगाने लगाते जाओ, उस पे मत सोचना। बाकी सारी पोस्ट्स पे और पोजीशंस पे आपको खर्चा जहां तक हो सके बढ़ाना नहीं है, मुझसे पूछ लेना है। और अगर खर्चा बढ़ेगा भी तो सिर्फ एक ही खर्चा बढ़ना चाहिए अब, और वो है, नहीं इन दोनों को छोड़ के, वो है टेक्निकल। टेक्निकल को छोड़ के और कोई खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर को छोड़ के और कोई खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए आपका, तो एस्केलेट होके आपके पास आ जाती है। किसके पास? आपके पास। तो फिर तो आप ही देखोगे क्या कर सकते। आप ही नहीं कर पा रहे तो कौन करेगा? तो आपको बाहर का एक कंसल्टेंट बुलाना पड़ेगा, या कस्टमर से लेना पड़ेगा, या गूगल बाबा से पूछो, या मतलब इफ यू कैन डू इट देन यू हैव टू डू इट। सॉरी, नाइट शिफ्ट होगी, सो दो हफ्ते में एक बार MIS मीटिंग। हाँ,
ऑपरेशंस वाले नाइट शिफ्ट में भी होते हैं ना, तो दे कीप रोटेटिंग, तो नहीं नहीं तो फिर रात को करेंगे? नहीं, दिन में होगी। दिन में तो वो होते नहीं ना, वो छुट्टी हो जाती है। नाइट शिफ्ट इज लाइक 8 to 8 और समथिंग लाइक दैट। MIS में कितना समय लगता है? 5 minutes. 5 minutes. So from 8 to 8:05 we can do it. 8 बजे आप मंडे को ऑफिस पहुंच जाया करो, या? All the results you want from him. Delegation sheet यहाँ नहीं आती। Delegation sheet के टास्क यहाँ नहीं आते। वो यहाँ पर एक आ गया ना, परसेंटेज टास्क्स डन नॉट डन। नहीं, दिस इज लाइक द एनालिसिस ऑफ द डेलीगेशन शीट, राइट? नॉट डेलीगेशन शीट, चेकलिस्ट। डेलीगेशन शीट का इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, व्हाट अबाउट द चेकलिस्ट? चेकलिस्ट यहाँ आ गई ना। व्हाट अबाउट आइटम्स यू पुट इन द चेकलिस्ट ही सपोज टू डूइंग ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, वीकली बेसिस? इस हफ्ते कौन से आइटम नहीं हुए, परसेंटेज वर्क नॉट डन दिस वीक? No, we have to take out each item from the checklist and put there, or जो जो काम उसकी checklist में नहीं हुए, वो सब यहाँ आ जाएंगे ना percentage में। जो नहीं हुए, जो हो गए, वो तो हो ही गए, वो negative percentage में आएगा ना। It comes as a percentage, so percentage work not done. So we have to talk with that particular person on each task not done the way it was supposed to be done. Then उसको ये बोलना है कि इस हफ्ते आपकी checklist में से 50% item नहीं हुए, बस। उसने 100 चीजें करनी थी, 100 चीजों में से वो 50 चीजें नहीं कर पाया ड्यूरिंग द वीक। आज 10 चीजें, कल 20 चीजें। सो परसेंटेज वर्क नॉट डन इन चेकलिस्ट इज -50%। वो तो रूटीन टास्क हो गए। अगर कोई क्रिटिकल टास्क है तो वो चेकलिस्ट में मत लगाओ, कहीं और लगा दो। सो सपोज यू हैव 10 चेकलिस्ट, हमारे तो सारे टास्क ही डेलीगेशन के हैं। आपने तो सब कुछ डेलीगेशन शीट में डाल दिया, तो आपने उसमें उस पे लगा के उस पे ऑन कर उसमें अगर 10 टास्क है, उसमें 5 किया अगर, तो उसका -50 का स्कोर होगा। वो तो डेलीगेशन शीट में आ ही रहा है, वो डेलीगेशन में आ रहा है, उससे बात ही कर रहे हो आप। इसमें कैसे आएगा तो? इसमें बाकी सब चीजें डालो। ये तो सिर्फ ड्रॉइंग्स ही बना रहा है खाली। हाँ, तो बस फिर डेलीगेशन शीट का बन गया वो, ठीक है। आप सेम क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो कि इस हफ्ते आपका -50, अगली बार कितना करोगे? करते यही हो बस। सिर्फ ये है कि आपने उसमें डेलीगेशन शीट में डन नॉट डन कर रखा है, उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ कितना लेट। अगर एक टास्क नहीं होता कर, उसमें सिर्फ परसेंटेज स्कोर आ रहा है, बिकॉज़ इट इज़ वो ग्रीन येलो रेड हो रहा है, वो डन नॉट डन हो रहा है ना। ठीक है, तो वो कितना हुआ, वो चेकलिस्ट के हिसाब से उसका टोटल निकलता है, तो दैट विल कम हियर। हाँ, हमें कितना लेट हुआ, परसेंटेज टाइम लेट, परसेंटेज टाइम डिले। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टास्क उसको, हाँ तो FMS से आ जाएगा, वहाँ से वो डेट्स आ जाएंगी। हाँ, तो वो यहाँ डाल देना एक एक काम के लिए। हाँ, एक एक काम के लिए, और फिर वो टोटल हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा फॉर्मूले से टोटल हो। वो सब इसमें आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो सब इसमें आएगा। हाँ जी, यस, मंडे EMA। सो दिस इज द रूटीन वर्क basically what we've identified for every single designation or every single employee, and that will be tracked as in whatever the work's been done or not done every week. And who would be tracking it? PC. Okay, so hota kya hai isme? Haan ji, ha ha, yes, अभी कुछ मत बोलो उनको, बोलो इंक्रीमेंट इससे निकलेगा, अभी वो छोड़ दो। बट वो इंक्रीमेंट का सिस्टम मैंने एचआर में दे रखा है, वो एक बार पढ़ लेना, जब आप बनाओगे तो मेरे से पूछ लेना। हाँ, यस, इंक्रीमेंट अप्रैल में करना है, तो शुड वी टेल देम दैट अभी 3 महीने ये करेंगे, उसके बाद बेस्ड ऑन दिस अप्रैल इस साल आप नहीं कर पाओगे इससे। अच्छा, तो उसको बात भी नहीं करें इस बारे में, अभी उसको बोलो इंक्रीमेंट होगा इससे, बट अभी आपके पास इनफ डेटा नहीं होगा ना, 3 महीने का ही डेटा होगा। राइट, अब 3 महीने के डेटा पे साल भर के इंक्रीमेंट तो नहीं कर सकते, तो
तो आपका एक्चुअली होगा वो अगले साल ही, अगले साल 6-8 महीने के बाद. यस, अब नहीं होगा, अब सबका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा ना. सर इसमें चेकलिस्ट, मंथली वर्क्स, वीकली वर्क्स इसमें आ जाएंगे, डेली वर्क्स नहीं आएंगे? डेली भी आएंगे अगर आपको डालने हैं. डालने हैं, डिपेंड्स. अगर ये सब, हेलो गाइस, दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द रिजल्ट्स यू वांट. फर्स्ट, सेकंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सो ये मोटा मोटा समझ में आया आपको? I'm not expecting you to understand the entire science of it right now, so don't worry about that. I'm not expecting you to be a pro at this, so don't worry about that. Right now, what you have to do is this. Sir, इसको quality का measure करते हो? Example दो. जैसे accountant ने bank में है जब मैं उसमें entry करनी है, but उसने वो entry गलत post कर दी, तो quality issue आ गया ना? उसने 10 entry तो कर ली, और 10 entry में से 2 entry उसने गलत कर दिए. Correct. क्या score आया? क्वालिटी में आएगा, क्वांटिटी में भी कर लो, कहीं भी कर लो, बट उसकी क्वालिटी पता लग गई ना, -20%. कौन चेक करता है? बस जो सीनियर अकाउंटेंट चेक करता है और वो लिखता है कि ये दो गलत हो गई, तो वो दो गलत आ जाएंगी, वो एफएमएस में आएंगी या चेकलिस्ट में आएंगी, कहीं तो आएंगी. चेकलिस्ट की भी चेकलिस्ट बनेगी अपने अकाउंट ऊपर, जो आपने चेकलिस्ट दे दी कि काम वाले काम है, उस काम की भी चेकलिस्ट बनेगी फिर वो जब वो ऑडिट कर रहा है, उसकी भी चेकलिस्ट बना लो कि ये चीजें चेक करनी है, उसमें स्कोर लिखते जाओ. किस लेवल तक जाए इसकी लेवल? किस लेवल मतलब? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर. बस अकाउंट्स वाले तक जाओगे आप. ऐड करते जाओ, डिवाइडेड बाय 6. सॉरी, ये सवाल पूछ सुना? हेलो गाइस सुन लो, वो कह रहे हैं जी 9 बजे मशीन चालू होनी थी, मेरे को बड़ा क्रिटिकल है कि 9 बजे मशीन चालू हो जाए, या 9 बजे शटर खुल जाए, 9 बजे मशीन चालू हो जाए, 9 बजे जो भी है, और वो 9 बजे की जगह 9:30 बजे चालू होती है, तो इसका स्कोर क्या आएगा? बेंचमार्क क्या बनाया? लेट से फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा क्रिटिकल है, कुछ चीजें क्रिटिकल होती हैं, कुछ चीजें नॉन क्रिटिकल होती हैं. अगर ये क्रिटिकल है, आपने इसको बेंचमार्क दिया कि 1 मिनट अलाउड है लेट. यस, मतलब 9:01 तक चालू हो सकती है. यस, और कितने मिनट लेट हुई? 30 मिनट, या लेट से 29 मिनट्स लेट हो गई. यस, तो ये स्कोर क्या आया? माइनस ऑब्वियसली. समझ में आया नहीं आया? यस नो, इट्स 290% और 2900%. ट्वेंटी नाइन परसेंट कैसे हुआ भाई? 1 मिनट अलाउड है. एक मिनट. Why? एक सेकेंड, वाई आर यू गेटिंग ट्रॉमा? आपको ट्रॉमा क्यों हो रहा है? उसको ट्रॉमा होना चाहिए, आपको ट्रॉमा क्यों हो रहा है? हैं? आपकी जान सूख गई. आज तक मेरे पे ये चिल्लाते थे या ये बोलते थे काम नहीं कर रहे. अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे काम करवाना. आपकी जान सूख के बाहर निकली जा रही है. चिल, रिलैक्स, कोई नहीं छोड़ के जाता. उसको समझा देंगे कि भाई टेंशन मत ले, बट वो 2900%, 1500%, 1000%, 500% कोई फर्क नहीं पड़ता. पैसे थोड़ी ले रहे हैं उससे, नंबर ही है, उससे कौन सा पैसा निकलवा रहे हो आप?
हाँ तो ठीक है, पहले एक दो महीने का उसका सिस्टम हम चिल कर देंगे, माइनस करके उसको हटा देंगे ना। पहले महीने का स्कोर तो वैसे भी उनका ऐड नहीं करना, क्योंकि पहले महीने के ऐसे स्कोर आएंगे ऊट पटांग, ना उनको समझ ना आपको समझ, तो दोनों को ही समझ नहीं है। तो पहले महीने के स्कोर सारे डिजास्टर होंगे, परफॉर्मेंसेस सारी डिजास्टर्स होगी, और हमको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। जैसे ट्रेवल टिकट गूगल ड्राइव पे बनेगी, कहीं भी बना लो ट्रेवल टिकट, बट गूगल ड्राइव करेक्ट, गुड थैंक यू। माइनस 1000% मतलब क्या हुआ, मतलब अब वो 10 मिनट लेट खोलेगा। तो भाई पहले आधा घंटा लेट खोलता था, अब 10 मिनट लेट खोलेगा, चल ठीक है तू 10 मिनट लेट खोल रहा है, इवेंचुअली वो 9 बजे खोलना शुरू कर देगा। एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, कितना ढीट होगा। डोंट अभी भी तो नहीं कर रहे, अभी आप पहले शुरू करो। सुनो हेलो, उन्होंने बोला मशीन चालू करनी है और फैक्ट्री में मशीन है, वो उसके लिए क्रिटिकल है, वो कर रहा है। आपको जो रिमोट लोकेशन पे आपको काम से मतलब है, करेक्ट। वो 9 बजे आए, 9:10 पे आए, उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसकी, इनकी ना, उनकी अलग सिचुएशन है, इनकी अलग सिचुएशन है। इनकी मैं सही बोल दिया ना, हाँ बोल दिया। आपके लिए आपको जो रिजल्ट चाहिए वो लिखना शुरू करो, एंड यू नो व्हाट, यू विल, वंस यू अंडरस्टैंड दिस साइंस एंड वंस यू इंप्लीमेंट दिस साइंस, इट इज मैजिक। मैं आपको बार बार ये बताता जाऊंगा, जिस दिन आपको जिस बंदे से जो रिजल्ट चाहिए, आपको एक ही चीज करनी है, एक लाइन लिख दो वहां पर और अगले दिन वो रिजल्ट मिल जाता है। इट्स सो मैजिकल, सॉरी, जिस चाहे वो एक हफ्ते का भी टास्क जो भी आप लिखोगे, तब तक आपकी आईक्यू लेवल तो नहीं, हफ्ते भर में मैप आउट कर पाओगे। यस यस, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी ब्रोकन इनटू व्हाट इज डन टुडे, नॉट इवन वीक। वीक तो छोड़ ही दो, आज आज कितनी आउटपुट हुई। हाँ, ब्रिलियंट, वेरी गुड, अमेजिंग। डेलीगेशन शीट धीरे धीरे आपकी खत्म होती जाएगी। सो आई टेल यू, लेट मी गिव यू अ सेंस ऑफ दिस एंड देन वील बाइंड अप। डेलीगेशन शीट आज की तारीख में आपका क्या एक्सपीरियंस है, डेलीगेशन शीट में जो टास्क डालो हो जाता है, यस नो, यस और नो, एक सेकेंड, यस और नो। आपके साथ ऐसा होगा कि इस मैजिक शीट में जो लाइन लिख दोगे ना, जो लाइन लिख दो, जो मर्जी लिख दो, वो हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, अरे बाबा ये इसमें डेलीगेशन थोड़ी है। और दो, एक बार आप MIS बना लो तो सोचना बंद कर दोगे, फिर वो फ्लोचार्ट जैसे लिखोगे। पहले फ्लोचार्ट में सोचना पड़ता था, अब सोचना पड़ता है, इसमें भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको अभी तो खेलना शुरू कर रहे हो। सो आपको जो जो आदमी समझ में आते हैं, जो क्रिटिकल है 4, 5, 6, 7 या जो सिंपल है 4, 5, 6, 7 उनकी MIS बना दो। जो जो आदमी आपको इंपॉर्टेंट है, किस किस की मतलब, नहीं नहीं नीचे वालों के पास अभी मत जाओ, सेल्स को मतलब, गाइस हेलो लिसन, एक सेकेंड, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। अरे शुरू में 5 तो करो, होटल चेक इन कर नहीं रहे, 5 के कर नहीं रहे, FMS रोल आउट हुई नहीं, PMS बनी नहीं, 5 तो करो,
जब 5 कर लोगे तो 50 बन जाएंगे कि इकट्ठा बैठ के 50 बनाओगे? पहले 5 कर लो फिर 50 बन जाएंगे। पहले 5 तो करो, 1 foot 1 step at a time। पहले तो एक का ही बनाओगे, किसके बनाने? सेल्स वाले के नहीं बनाने, ठीक है? बहुत बेसिक बेसिक वाले लोगों के नहीं बनाने। जो जो लोग आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगता है ये बल्क, मतलब ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला प्रोसेस ठीक हो जाए, तो उस वाले प्रोसेस के लोग इकट्ठे पकड़ो और उन वाले प्रोसेस के लोगों की MIS रोल आउट कर दो। आपकी ऑपरेशंस के सारे लोगों की कर दो। ऑपरेशंस में जितना आपने बनाया है उन सब के आपके 4-5 ही होंगे लोग, उन सब की MIS रोल आउट कर दो। सेल्समैन की मैं बना के दूंगा, मैं बता दूंगा 4-5 ही नंबर। कैशियर की अगर बनानी, कैशियर की बना लो, अकाउंटेंट की बना लो, गोडाउन कीपर की बना लो। तुम मेरे से पूछ क्यों रहे हो? मालूम तो है, जरूरी है मुझसे पूछना। 5 लोग लिख लो और उसके बना दो। इनकी अगर हम काम बना लेंगे, अब इनके कई मेजरेबल होंगे, वो ऑडिट से ही पता लगेगा जो डाटा एंट्री। अरे पहले आप ये बनाना शुरू करो, डेटा कैसे आएगा वो मैं अगली बार बताऊंगा। मेजरमेंट तो आप बनाओगे बैठ के। अभी कैशियर का कैश मैच है या नहीं मैच है, वो ये तो कोई ऑडिट करेगा, उसको चेक करके तो बताएगा ना कि चेकलिस्ट चेक करेगा। तो ऑडिट तो चेक होगा ना कहीं FMS में? हाँ। तो हो रहा है, वो कोई और कर रहा है ना, वो उसकी तो वो आएगा तो सही, वो डेटा कहीं तो आज कैप्चर हो रहा है। सो व्हाट आई वांट, हेलो, इन दी FMS, इन दी PMS एंड इन दी MIS द प्रिंसिपल इज द सेम। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी परफेक्शन, आई एम ओनली लुकिंग फॉर अ रॉन्ग MIS शीट। You make a wrong MIS sheet for 2, 3, 4, 5 people and roll it out. And just see the whole thing become the perfect MIS sheet. होता ये ऐसे ही है, इसका और कोई तरीका है नहीं। अगर आप right MIS sheet बनाने बैठ जाओगे तो MIS बन ही नहीं सकती। आप पहले पिछली बार का वीडियो देखो। वीडियो पात्रा, वो पिछले बार वीडियो में मेरा वो नहीं है क्या? हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं है? हाँ, क्या एक बार वापस वेरीफाई करके वो लिंक वापस शेयर करो। तो वो उसमें क्या ऑडियो नहीं है कि है ही नहीं? मैं देख लेता हूं एक बार, वो HR का वीडियो निकाल के वापस शेयर कर देना जरा, ठीक है? उसमें अप्रेजल कैसे होता है वो वाला स्लाइड देखना है, मेरे से देख पूछ लेना जरा। हाँ, आई विल टेल यू। चलो ठीक है, सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक आफ्टर होटल चेक इन। यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।